बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज हुआ ये कि जैसे मैंने स्क्रीन पे देखा, मुझे क्या कहते हैं, एलसीडी कहते हैं इसको, मैंने इसमें देखा तो एक और सुब लिखा हुआ था, तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया। मैंने कहा एक और सुब है, ये एक सुब और है, क्योंकि वो और बाद में आता है, पहले एक सुब आता है फिर और आता है, तो मैंने कहा इसका नाम क्या। तो जनाब आप देख रहे हैं एक और सुब हुमायूं और हलीमा के साथ, और यकीनन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया हलीमा जो है वो इंशाल्लाह ताला मंडे को आ जाएंगी और फिर आप हम दोनों को जो है हमसे महसूस हो सकेंगे, लेकिन आज आप ये शो मेरे साथ इंजॉय करेंगे हमेशा की तरह। जनाब इस्लामाबाद का मौसम आज बड़ा खुशगवार है, रात को जो है वो टेम्परेचर बड़ा कम रहा, कम का मतलब ये रहा कि रात को सर्दी ज़्यादा नहीं थी, सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी आती जा रही है, लेकिन यकीनन क्योंकि बारिशें बहुत कम रही हैं, एक ही स्पेल हुआ है उसके बाद बारिशें नहीं हुई, तो जो दस्दा जुकाम वगैरह खांसी वो बरकरार है। आप लोगों ने एक काम जरूर करना है जो हम आपको बार बार बताते हैं, वो ये है कि आपने गर्म पानी रात को सोने से पहले भी पीना है, यानी कि एक गिलास, और सुबह उठते साथ ही निहार मुंह आपने गर्म पानी पीना, उससे बहुत अफाका होगा, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ वो आपको चीज़ें बताऊँ जो मैं खुद करता हूँ या मैं खुद कर सकता हूँ या खुद करूँगा, ताकि वो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप वो कहते हैं ना औरों को नसीहत तो खुद मियाँ फजीहत, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको एटलीस्ट जो आप कहें आप वही करें, और फिर अफाका भी होता है, लोग फिर उसको मानते भी हैं। अब बात करें जनाब, आज बड़े मज़े की मैं आपके लिए कहानी लेकर आया, वो कहानी इस तरह की है, आपको पता है कि आपके बच्चे जिन जिन के भी जितने भी आज माएँ मुझे देख रही हैं, वालिद मुझे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सबको ये पता होगा कि अक्सर जब बच्चे मैट्रिक में जाते हैं तो एक चीज़ होती है उस पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो होता है मेंढक। वो कहते हैं जी फ्रॉग की डायसेक्शन करते हैं, फ्रॉग को देखते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान और फ्रॉग की जो कुछ अज़ा हैं, जो अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मैच करता है, तो आसान होता है। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, ऑफकोर्स जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तब ह्यूमन बॉडी पर कर लिया जाता है, लेकिन फॉर द टाइम बींग जब आप स्कूल वगैरह में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो मेंढक को लिया जाता है ताकि उससे आपका एक्सपेरिमेंट हो सके। आपको एक और चीज़ बताओ, एक और जानवर ऐसा है, एक और ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल इंसान के मुताबिक ही अंदर उसके इंटरनल सिस्टम है थोड़ा बहुत, वो है माउस, यानी चूहा, वो कंप्यूटर वाला चूहा नहीं, जो दूसरा जो असल चूहा होता है उसका भी सिस्टम बराबर है। अब बात की जाए, ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कभी कभी चूहे पर भी होते हैं और कभी कभी मेंढक पर भी होते हैं, लेकिन अगर आप अमरीका की बात कर लें तो अमेरिका में होता है ग्रास होपर पे एक्सपेरिमेंट। ग्रास होपर क्या होते हैं जनाब? ग्रास होपर उर्दू में से थ्रिडी कहते हैं ना उसको, उर्दू में जो एक जगह से दूसरी जगह पे सब मोबाइल पे लगे हुए, कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा, मुझे बता दे वरना मैंने शिकायतें लगा देनी, चाय वाली बातें आपकी, बता उसे थ्रिडी कहते हैं, क्या कहते हैं? थ्रिडी कहते हैं ना, थ्रिडी, थैंक यू फराद भाई, सिर्फ एक बंदा है जो मुझे जवाब देता है। तो थ्रिडी जो होती है ना वो उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। आपको बड़ी मजे की आज मैं एक स्टोरी सुनाऊँ कि जो ग्रास हॉपर होता है ना वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे जाता है। उस लोगों को लगता है कि शायद उसके पास उड़ने की ताकत है, बिल्कुल भी नहीं, उसकी टांगे छह होती हैं और छह टांगों में उसके अंदर उसकी टांगे ऐसी होती हैं कि वो जंप करता है, यानी कि छलांग लगाता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसकी तकरीबन जो लंबाई होती है वो होती है 6 फुट, बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन मेरे जितनी, मैं 6 फुट 2 इंच हूँ, और ये तकरीबन इतनी वो जंप मारता है, और वो इतनी जंप मार सकता है। तो अमेरिका में लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसे एक जार में रख दिया, एक बोतल में रख दिया, जिसकी तकरीबन लंबाई थी 5 फुट, त्रिडे को, ग्रास होपर को एक जार में रख दिया और उसकी 5 फुट लंबाई थी। तकरीबन 1.5 महीने के बाद वो उस ग्रास होपर को बाहर निकालते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि वो ग्रास होपर कितनी जंप करता है? सिर्फ 5 फुट, वो 6 फुट जंप नहीं करता। हैरत होती है उन्हें, वो क्या करते हैं कि वो दोबारा एक जार में उसे डालते हैं 4 फुट के जार में, और फिर 1 महीने बाद उसे निकालते हैं तो वो 5 फुट नहीं, वो 4 फुट की जंप करता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और एक टाइम आता है वो उसे एक माचिस की डिब्बी में करते हैं, और आपको हैरत होगी ये बात जानते हुए कि जब उसे माचिस की डिब्बी में निकालते हैं तो वो जंप करना, उछलना भूल जाता है, उसे नहीं आता। इस बात का मकसद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे आपने हाथी देखे होंगे चिड़ियाघर में, बड़े खूबसूरत बड़े बड़े हाथी होते हैं, 2 जगह पे सबसे ज़्यादा मशहूर और बड़े हाथी माने जाते हैं, जहाँ से हाथी की पैदाइश भी और ब्रीडिंग बड़ी अच्छी होती है, वो है अफ्रीका और श्रीलंका।
जो श्रीलंका से मैं श्रीलंका एक बार गया हूँ और मैंने श्रीलंका में देखा है कि वहाँ पर जो हाथी है ना उसको जब जंगल में छोड़ा जाता है ये ऊंचे ऊंचे हाथी होते हैं, ये ऊंचे ऊंचे हाथी। तो जनाब उधर ये किया जाता है कि हाथी को एक चेन के साथ बांध दिया जाता है और एक किले के साथ उस चेन को लगा दिया जाता है जब वो छोटा होता है, क्योंकि चेन वो इतनी पतली होती है, जो छोटा हाथी होता है उसमें ताकत नहीं होती कि उस चेन को तोड़ सके। तो वो क्या करता है कि जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो चेन बदलते जाते हैं, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो वो चेन तो टांग में रहने देते हैं लेकिन वो किले के साथ नहीं लगी होती, लेकिन हाथी फिर भी नहीं भागता। ताला कहां लगा है? ताला यहां लग गया। आज ये बात मैंने आपसे इसलिए की है क्योंकि हम अपने दिमाग में अपने सोच पे ताले लगाकर बैठ जाते हैं। जिस जगह पर होते हम वहीं पर टिके रह जाते, हम नहीं उठते। हम हमारी अल्लाह ताला ने जो ताकत है ना वो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इंसान को ताकत दी। अगर अशरफुल मखलूकात कहा है तो किसी वजह से कहा है। जो बड़े बड़े लोग जिनकी आप किताबें पढ़ते हैं, जिनके आप नाम पढ़ते हैं, जिनको आप कहते हैं कि जनाब क्या बात है, उनकी क्या करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने ताले नहीं लगाए। हम ताले लगा लेते हैं, हम जंजीरों में जकड़े रहते हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि दुनिया में कितनी ज़्यादा फील्ड्स हैं। आज भी हम ये कहते हैं कि जनाब मैनेजमेंट का स्कोप है, इसका स्कोप है, उसका स्कोप है। मेरी जान स्कोप किसी चीज़ का नहीं होता, आपने खुद करना है। हम क्या करते हैं, हम अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ पे ज़ाया करते हैं? मोबाइल लिया, ये पूरा दिन हम ये करते हैं अगर वक्त मिलता है। कहते हैं शादी का ये कॉल है कि आप अल्लाह ताला से अपनी औकात के मुताबिक ना मांगे, उसकी औकात के मुताबिक मांगे। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये तो बातें कर रहे हैं, इन बातों से कुछ नहीं रखा, प्रैक्टिकल में बड़ा है। आपको मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, जब मैं स्कूल में था तो मेरा साथ दोस्त एक बैठा हुआ, और बड़े मज़े की बात है ये, बड़ा मज़ा आएगा आपको सुनते हुए। तो मैं स्कूल में था और साथ में मेरा दोस्त जो है वो मुझसे, यार कैमरा लंबा है, मैं साथ अपनी चाय भी ले लूँ, मेरा दिल चाह रहा चाय पीने का है। अनीक मुझे चाय अभी दे देना। अच्छा, सो मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा होता और हम ऐसे बैठे और हम बातें कर रहे हैं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैंने ना बड़े होकर टेलीविज़न पर आना और मैंने होस्ट बनना है। तो वो हंसना शुरू हो गया। इतनी देर में हमें सर ने देख लिया, सर आए तो सर कहते हैं कि क्या क्यों हंस रहे हो, क्या बातें कर रहे थे? अब मैंने तो कह दिया कि मैंने नहीं बताना, ठीक है। मैंने हाथ से इस तरह दबाया उसका हाथ और मैंने कहा तुमने भी नहीं बताना। उसने नहीं बताया, सर ने थोड़ा सा डांटा, उसने फिर भी नहीं बताया। फिर उसको सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं ना, नई टर्म आई है, सर ने उसको लगाई दो, उसने बोल दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका। जब दो थप्पड़ लगते था वो बता रहे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। अनीक मुझे चाय दे जाना है, मुझे चाय पकड़ा जाना प्लीज़। तो सॉफ्टवेयर उसका जो है वो अपडेट हो गया। अब जब अपडेट हो गया तो उसने कह दिया कि सर ये कह रहा है कि मैं टेलीविज़न पर आऊँगा और बहुत बड़ा होस्ट बनूंगा। बड़ा तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद सर ने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया, मुझे एक लगाया, कहते शक्ल देखिए तुमने अपनी। और आज अगर मैं वहाँ पर अपना उस बात के बाद अगर मैं ताला लगा देता ना कि मुझे क्या कह रहे हैं, और अगर मैं आपको पुरानी पिक्चर्स दिखाऊं तो आप सच में कहेंगे कहे तो ठीक रहे थे, बात तो अभी भी है। लेकिन मैंने कहा था मैंने बनना है तो बनना है तो बनना है। आज बड़ा होस्ट नहीं बन सका लेकिन होस्ट शायद मैं बन गया हूँ। मैंने बहुत चैलेंज पे काम भी किया। लेकिन ये जो ताले होते हैं ना, जो तालों की जंजीरों में हम जकड़ जाते हैं, जंजीरें लगा देते हैं हम, ये बड़ा मस्ता होता है उधर साना, तो ये बड़ा मस्ता होता है। तो हमें थोड़ा सा खोले, डेविड थैंक यू सो वेरी मच, यहाँ से मुझे पकड़ा दो चाय, थैंक यू सो वेरी मच, खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। ये मेरी कॉफ़ी आ गई है, चाइनी कॉफ़ी है, ठीक है। तो अब बात सोचने की ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में, अगर आप घर में बैठी हुई भी हैं, बैठे हुए भी हैं, और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये ताले हैं, इन तालों को खोलना है आपने। आजकल डिजिटल का दौर है, ये हाथ में सब कुछ है। आप खुद सोचे 1980 में अगर मैं किसी को कहता कि जनाब एक ऐसी डिवाइस आएगी जिसमें सब कुछ होगा, वीडियो कॉल हुआ करेगी, बगैर तार के फोन होगा, सब हंसते कहते क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? लेकिन आज है ना। तो आज से कुछ सालों बाद चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, शायद मौत भी चॉइस से होती होगी कि आपने मौत भी चॉइस देनी है। तो आपने एक चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि आपने याद रखना है कि अपनी जो दिमाग के ताले हैं उनको खोल देना है, ताकि वो ताल खुल जाए और आप लोग जो हैं वो ज़िंदगी में कुछ कर सके। आज कुछ करने के लिए शायद हम एक्सरसाइज के वाले से भी आपसे बात करें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें। यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक और सब।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और शो हुमायूं हलीमा के साथ। और आज जो है, हमने जैसे पहले मैंने आपसे जिक्र किया, मैंने थोड़ी सी वो एक कहते हैं ना लुच सी फ्राई कर दी थी। मैंने आपको बता दिया था कि क्या होने वाला है, कौन गेस्ट होंगे हमारे साथ आज मौजूद होंगे, बहुत सारी बातें भी उनसे करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने वो ताले लगा दिए होते हैं, अक्सर हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यूजली जो टेंडेंसी है पाकिस्तान में, वो वेट गेन की ज़्यादा है। हम लोग क्योंकि एक्सरसाइज के ऊपर इतना फ़रोग नहीं देते हैं, हम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो द लास्ट पॉइंट इज दैट कि हम फिर एक दफ़ा होता है कि हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार ये वज़न, ये जो टोन बाहर आ गई है ना, ये अब और अंदर नहीं जा सकती है, इसको कैसे कम किया जाए। फिर वेट जो जिनका कम होता है, जो अंडर वेट होते हैं, वो भी बहुत देर से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लेकिन उनका वेट बढ़ नहीं रहा होता, उनको ये पता नहीं होता कि करना क्या है। जिस पर ज़्यादा जोर लगाना था वो किचन था, जहाँ पर खाना पीना आपने ठीक करना था, लेकिन वो कर कहाँ कहीं पर और पे होते, एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज कर रहे होते, दो दो घंटे एक्सरसाइज कर रहे होते लेकिन खा सही नहीं रहे होते। जो डिफिशेंसीज हैं वैसी की वैसी रहती हैं, जो प्रोटीन इनटेक है वो कम होती है, कार्ब्स की इनटेक ज़्यादा होती है, जो भी जिस तरह भी साइंस है, वो जो सही साइंस है ना, वो क्या साइंस है, वो आज हम जानेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान मैमुनुर राशिद, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, हु इज अ फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, और नॉट जस्ट दैट, कंडीशनिंग, स्ट्रेंथनिंग, वेट गेन, बल्किंग, सब कुछ करवा देते हैं। कैसे हैं आप मैमुन जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूं। आपका नाम बड़ा मजेदार है, ये एक तो उनसे मैच करता है जो हमारे ममनून हुसैन साहब थे, आपका मामून नाम है? जी मामून नाम है, ये खलीफा हारून रशीद के बेटे थे। अच्छा माशाल्लाह, मामून रशीद नाम है मेरा, बहुत खूबसूरत नाम आपका है मामून। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप सुबह सवेरे कितने बजे उठते हैं, हम तो सबसे पहला ये सवाल पूछते हैं। सुबह सवेरे मेरी जो है वो रूटीन थोड़ी सी चेंज है, मेरा ये है कि मैं रात में तकरीबन सोता हूँ, लेट आता हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह अपने सारा वाइंड अप करके, तो सोते सोते 12 बज जाते हैं, देन फिर मैं ऑल द वे सुबह में उठता तो हूँ 5:30 बजे के करीब। अच्छा, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर नैप लेता हूँ, तकरीबन 8 बजे उठ के फिर मैं अपना ऑफिस, देन 9 to 5 ऑफिस है, 5 o'clock के बाद आके थोड़ा सा अपना जो है रेस्ट किया 15 मिनट, फिर 6 to 11 फिर जिम अपना। बढ़िया, तो एक्टिव लाइफ है भाई, बड़ा आप रोलर कोस्टर पे होते हैं पूरा दिन। बस ये शौक है मेरा, ऐसी बात है कि एक पैशन है। तो कम्प्लीटली इसको क्यों नहीं आपने किया, व्हाई देयर इज अ कॉर्पोरेट जॉब एज वेल, उसके अलावा आपने कम्प्लीटली इसको क्यों नहीं परसू कर रहे? चीज ये कि मैं इसका इतना ज्यादा वो नहीं, नहीं स्कोप तो है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोप है। मेरा दरअसल ये था कि मैं थ्रू आउट अपनी एक्सरसाइज मैंने की है, काफी टाइम पीरियड किया एक्सरसाइज। अच्छा, फिर बीच में छोड़ दी थी मैं, दरअसल इसमें आया था रीहैब के अपने उसमें चक्रों में, दोबारा वापस मैं जो इस फील्ड में आया था वो रीहैब के उसमें आया था, मेरा बैडमिंटन खेलते हुए बेसिकली नी ट्विस्ट हो गया था। ओए होए होए होए, तो मैं रीहैब के उसमें आया था, मेरा वेट था 104 केजी के करीब। अच्छा, तो मैंने अपनी वेट लॉस के उसमें आया था जर्नी में, तो मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की थी कि कुछ चीज़ें हैं जो हम जो है ना यूट्यूब के देख देख के और उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने साथ गलत कर देते हैं। देन फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया प्रॉपर ISSA से। जी मैंने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की फिर न्यूट्रिशन USA की, मेरे जी USA की है ये सर्टिफिकेशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये कि स्पेशलाइज्ड है ये कोर्स ना, तो कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई, फिर मैं कहा क्यों ना जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी ड्यूरिंग मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जो मैंने गलतियाँ की वो बाकी ना करें, तो फिर मैंने इसको एक कैरी ऑन किया कि ताकि मैं दूसरों को वो चीज़ें बता सकूँ जो नहीं करनी चाहिए। पर आप चाइना चीज़ की बात कर रहे हैं, वो तो फैट्स भी बनती होती है, तो वो बड़ा थोड़ी सी अच्छी क्वान्टिटी है उसके अंदर, प्रोटीन की क्वान्टिटी है जो बेहतर है चाइना चीज़ के अंदर। अच्छा, अंडे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि जो अंडे हैं जी, वो लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं। अच्छा, उसमें चीज़ें क्या आप खाएं, उसमें आप अगर ले रहे हैं 3 से 4 अंडे ले रहे हैं तो एक योक के साथ, बाकी एग वाइट के साथ ले लें, उसमें भी एक जो फुल हार्ड बॉयल एग है वो आपको अगर रफ एस्टिमेट दी जाए तो 11 ग्राम प्रोटीन देता है, और जो एग वाइट है वो 6 to 7 ग्राम आपको प्रोटीन दे देता है, तो अगर आप उससे भी ले सकते हैं। ओट मील है बहुत अच्छी। अच्छा, एक बड़े मजे की कहानी है मामून, ये जो अंडों पे लिखा होती है ओमेगा 3 वाले एग्स और एक दूसरे वाले एग्स होते हैं, मैं तो बड़ी हंसी आती है, एग में तो ओमेगा 3 होता है चाहे अंडा जो भी जिस तरह का भी हो, ये कौन सा स्पेसिफाई अंडा है जिसके अंदर ओमेगा 3 होता है, तो ये जान से क्या है जो अंडों के ऊपर लिखा होता है? उसके लिए मैं तो समझता हूँ शायद मुर्गी को सर्टिफिकेट देती होगी, सर्टिफिकेट कहती है मेरे ओमेगा 3 वाले दे देगा, अदरवाइज तो हर अंडे में ओमेगा 3 होता है, मतलब क्या बात करें, अगर वो अंडा है तो उसमें तो जरूर होगा। अच्छा मामून, फिश का इस्तेमाल
सिर्फ सर्दियों में होता है, वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन अगर एफ आई मस्त से मिलावट शुक्र उसमें नहीं है, वरना मछलियों को भी जाके हम टीके लगा कर उन्हें जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास रसाई नहीं है, लेकिन मछली हम सिर्फ सर्दियों में ज्यादा खाते हैं, गर्मियों में हम नहीं खा सकते मछली क्योंकि कहते हैं उसकी तासीर बड़ी गर्म होती है। क्या ये खाली मिथ है कि खा लेनी चाहिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी, आपने कहा था पोर्शन कंट्रोल करके खा ले। जी खानी चाहिए बिल्कुल, जिस तरह मैंने अभी आपको एक मिसाल दी थी अंडों की, कहते हैं गर्मियों में लोग छोड़ देते हैं खाना, लेकिन उसको खाने का तरीका है ना, अब एग योग जो है वो बेसिकली ओमेगा थ्री है उसके अंदर, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, यानी वो तासीर उसकी गर्म है। आप एग वाइट ले लें उसका इशू नहीं है, आप एक एग योग फुल यानी कि हार्ड बॉयल एग और उसके साथ दो या तीन एग वाइट ले लें। इसी तरह ऑमलेट बना रहे हैं, ऑमलेट में भी एक फुल एग योग के साथ बाकी तीन से चार के तीन के अंडों के आपने एग वाइट मिला लें। इसी तरह मछली जो है ये अब बांग्लादेश देख लें, वहाँ पे सीजन किस तरह का, और वो मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो वही वाली चीज़ हमारे यहाँ कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो हमने एक सर्दियों में हमने मछली खानी है तो तीनों टाइम मछली खानी है, तीनों टाइम मछली, गर्मी में हमने नहीं खानी, गर्मियों में आप एक टाइम खा लें। अच्छा हमारे मुझे किसी ने कुछ कहा मुझे इसलिए हंसी आ गई, वो कहते हैं कि हमारे कोई एक प्रोड्यूसर हमारे कैमरामैन भी हैं जो हेड कैमरामैन है, कहते हैं वो बंगाल से आए और वो मछली का बड़ा जोर करते, ये बात मैंने कभी नहीं सुनी जी, ये मैंने नहीं कहा, ये मुझे कान में कही गई, आप सोच ले किसने आपको कहा है ये बात। तो वो कहते हैं वो बड़ा मछली पे जोर देते। अच्छा मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से मुझे ये है कि मेरे घर में मछली जो है हम गर्मियों में भी खाते हैं, हम ये करते हैं हम हफ्ते में दो दफ़ा ज़रूर खाते हैं, बट ये कि फिर वी टेक लॉट ऑफ वाटर, उसके लिए बड़ा आपको वाटर इनटेक लेना पड़ता है। कमिंग बैक टू वेट लॉस, सबसे बड़ा मसला जब भी वजन कम करने के लिए आता है तो लोग कहते हैं क्या करें, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हाथ, पता नहीं आप मामून इस बारे में क्या कहेंगे, रोटी का है, हम रोटियां दबा दबा के खाते हैं, क्या इससे वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ की रोटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, अगर रोटी नहीं खाई तो मतलब खाना ही नहीं खाया। नहीं कार्ब्स की देखिए क्वांटिटी चाहिए होती है, हमारे वेट लॉस में ये चीज़ है कि हम कहते हैं कार्ब्स छोड़ दो रोटी छोड़ दो, आप प्रोपोर्शनेट उसकी कम कर देते हैं, उसकी जगह पर जो है वो आप प्रोटीन को ऐड करा देते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि कार्ब्स जो बेसिकली कार्ब्स तो आपको एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपका जो है वो जब आप लेंगे तो एनर्जी की सोर्स तो आप इनटेक किए जा रहे हैं बट उसको बर्न नहीं कर रहे कार्ब्स को ना, तो प्रोटीन की जो है वो सिंथेसाइज, हमारा बेसिकली बॉडी जो है वो मसल जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। अच्छा। और जो हम कार्ब्स खाते हैं या हम जो फैट लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, हमें जो है वो एनर्जी देता है। तो यार अच्छा काम ये भी तो है ना कि सफेद चावल खा लिया बस की जगह, व्हाइट राइस का भी चीज ये है कि आप प्रोपोर्शनेट थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, यानी उसका खाने का तरीका भी है, जिस तरह हम लोग कहते थे एक जनरल से टर्म है जिसको हम कहते हैं वन स्कूप यानी वन पाम, उसका हम वर्ड यूज करते हैं के लिए, हम तो यानी मर जाए ऐसे ना करें, उसके लिए उसके लिए तरीका ये कि आप उसके ऊपर काफी सारी सीजनल सैलड डाल लें ताकि आपकी जो फीलिंग ऑफ सैटाइटी है ना बॉडी के अंदर आपकी वो खत्म हो जाए। तो ये हो सकता है कि आपकी जो भूख है उसको हल्का करने के लिए आप सैलेड का इस्तेमाल कर लें, बट वेट लॉस के लिए क्या इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर डाइट से ही गुजारा कर लें, एक्सरसाइज जरूरी है, वॉक जरूरी है कि उसके बगैर नहीं वेट लूज हो सकता, या डाइट से भी काम चल सकता है? यानी जब आप एक वर्कआउट नहीं कर रहे, आपके मसल ब्रेक नहीं हो रहे, एक चीज़ रिपेयर नहीं हो रही, तो आप किस तरह डाइट से गुजारा करेंगे? आपने किसी चीज़ को अगर आपने जो एक स्टोर्ड आपके अंदर फैट मौजूद है उसको अगर आपने बर्न करना है या उसको यूटिलाइज करना है तो जब तक आपके बॉडी के अंदर वियर एंड टीयर नहीं होगी, यानी मसल के अंदर वियर एंड टीयर नहीं होगी, तो वो रिपेयर कहाँ से करेगा? जब आपका रात में सोते हैं आपका मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट पर जब आप रेस्ट पर जाते हैं तो आपकी बॉडी रात में रिपेयर होना शुरू होती है, तो वो कहाँ से रिपेयर होगी? जो आपकी सारा दिन में तो आपने जो खाया पिया है जो कैलोरीज हैं वो उसने चलते फिरते आपकी बर्न कर ली, यानी राउंड अगर रफ एस्टीमेट में दूं, पहले एक एस्टीमेट था 1200 to 1500 कैलोरीज थी, अब एक एस्टीमेट जो जैसे जैसे थोड़ा सा रिसर्च आती जाती है एस्टीमेट चेंज होकर अब कहते हैं कि आपकी 2000 कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं, ठीक है, ऑन एवरेज आप अगर कहीं कुछ भी नहीं करते, उठते जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उठते बैठते हैं, तेली का काम करते हैं या कोई आप बात करते हैं तो आपकी राउंड 2000 कैलोरीज बर्न होती हैं, जिसमें से 400 कैलोरीज तो आपका ब्रेन ही लेता है। बड़ी अच्छी आपने बात की है मामून, अब वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐप्स भी आई हुई जिसमें लोग अपने कदम गिनते हैं कि यार कितने कदम है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, ज़ायदा आंटी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, यू टू हैव अ नाइस डे, क्या हाल चाल है? थैंक यू। अंग्रेजी तो बढ़ती जा रही है आपकी, बस सीख रहे ना आपसे थोड़ी थोड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम लविंग दैट, क्या कहेंगी आज?
माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने कल किया, आपका शो बहुत अच्छा था, मैंने रात में रिपीट में पूरा एक बजे तक देखा है, क्योंकि कल मैं आउट ऑफ सिटी थी, जरा मेरी फ्रेंड है तो उनके हस्बैंड फोत हो गई थी, मैं वहाँ मोमेंट तो वो सडनली बस उनकी डेथ होगी तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। मैंने वहाँ पे कोशिश की बट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कॉल करूँ क्योंकि कल नायला हक साहिबा ने आना। आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मैं कोर्ट मोमिन में रहा हूं। ज़ायदा आंटी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज कट गई है। अच्छा, बड़ी प्यारी जगह है कोर्ट मोमिन, मैंने बड़ा टाइम वहां पे गुजारा है, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस। पता नहीं हम लोगों ने पाकिस्तान की बड़ी कम जगहें देखी होती हैं, पर कोर्ट मोमिन इज़ वन मोना डीपू कोर्ट मोमिन, ये बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत जगह है जहाँ पर आपको मेरे ख्याल में ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ये हम देखते नहीं। जैसे आज हम मेकअप रूम में बात कर रहे थे, हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, उनकी वालिदा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो हमने उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द उन्हें सेहतयाब कर दे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआएँ का साथ होंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो उनसे भी हम यही बात कर रहे थे कि जो वेल पावर है ना वो बड़ी मैटर करती है। सबसे पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक माइंड गेम भी है, आपने मसल और माइंड गेम को साथ में कोलाइड नहीं करना, उसको साथ में एक साथ पैरेलल लेकर चलना है, क्या ये बात दुरुस्त है? 100% एग्रीड। आप अगर ओल्ड स्कूल, अगर मैं जिम की बात करूँ या पुराने, हमने जिस तरह एक दो जगह पर स्टडी किया है, वो जिम में म्यूज़िक नहीं लगाते, वो मना करते हैं कि आप म्यूज़िक लगाते हैं तो हम तो कहते हैं कि मोटिवेशन लेवल मिलता है, वो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन होती है, आपका मसल माइंड कनेक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। आई एग्री, हम इसी बारे में दोबारा डिटेल में बात करेंगे, माइंड और मसल कनेक्शन की क्या ये तालमेल है। हमारे साथ है शिराज भाई, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर शिराज भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर पाकिस्तान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमायूं भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक टिप टॉप, मजे में, बताएं क्या कहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा, पहले तो अलीमा जी के बारे में पूछना चाह रहा था, आ नहीं रही हैं मैं जी, वो मंडे को आएंगी, सोमवार को इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगी, वो कराची गई हुई है, अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से वापस लेकर जाए, कुछ निजी मसरूफियात है उसकी वजह से गई, शादी है वो अटेंड करने गई। शहजाद भाई को हेलो आई कर दीजिएगा, उन्हीं के हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा था शहजाद के बारे में। जी क्या पूछे सवाल शहजाद भाई का? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? मामून आपको सलाम। जी वालेकुम सलाम सर। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूं। 20 ईयर दोस्त मेरा, कजन है भाई मेरा, उसकी एज है और वीकनेस में जा रहा है, काफी टाइम से काफी हेल्दी खुराक उसकी है, लेकिन मैं कह रहा था शायद एज के हवाले से, लेकिन अब वीकनेस फील होती है, तो काइंडली माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा हूँ, तो शहजाद भाई के लिए कोई अच्छी सी टिप्स बताएं, कोई एक्सरसाइज, कोई अच्छी सी गजा बताएं जो कि उसको फिटनेस में ठीक रहे, क्योंकि लोग आजकल जिम करते हैं फिर भी वैसे वीकनेस होती है, तो कुछ लोग वैसे भी बेचारे कमजोर होते हैं ना, तो उनके लिए तो फिटनेस बड़ी जरूरी है। आपको शहजाद भाई जो है वो आपके कजन है, भाई नहीं है? मेरे भाई हैं, मेरे कजन ही हैं सर वो भाई। अच्छा, आपकी बड़ी मोहब्बत है उनके उनके साथ, ये कमजोरी की वजह ये तो नहीं है कि वो बेचारे आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि कमजोर हो गए मोहब्बत में? नहीं नहीं, मोहब्बत तो दिल में होती है ना भाई साहब, मोहब्बत इन दिल से बाहर भी आ जाती होती है कभी। चले ठीक है, अभी 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 पूछते हैं, अब मामून से पूछते हैं कि क्या इसका हल है, कि कैसे उनको ताकत वापस आएगी। ज़ायदा आंटी इज बैक, अस्सलाम वालेकुम ज़ायदा आंटी, क्या कर दिया, बैलेंस कम था आपके पास, लोन लेके कॉल हुई है? बैलेंस नहीं कम था, कार्ड ड्रॉप हो गई थी। अच्छा जी, कहे आप कुछ कह रही थी, बड़े मजे की, बड़े मजे की बातें कर रही थी। मैं कोर्ट मोमन गई थी आपका, मैं सुनी थी कि आप भी कोर्ट मोमन में गई हैं, बहुत अच्छी जगह है, माल्टों के बाग हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे, ऐसा वैसा माल्टे के बाग। मेरी जो फ्रेंड है उनके अपने माल्टों के बाग हैं, हम हर साल जाते थे, तो लेकिन इस दफा सैड न्यूज थी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। एक तो खुद आप अमीर, ऊपर से दोस्त भी आपके अमीर, गरीबों के साथ तो ताल्लुक ही नहीं रखा ना आपने हमारे जैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की देन गरूर नहीं करते। ठीक है जी, तो आज आपके मेहमान आए हैं, इनको मेरा बहुत सलाम, बहुत प्यारा नाम है इनका माशाल्लाह, मामून नाम है इनका, बहुत प्यारा। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं शुगर पेशेंट हूँ ना, तो बीफ तो मैं बिल्कुल खाती नहीं हूँ, मटन भी बहुत कम कम खाती हूँ, चिकन भी बिल्कुल नहीं खाती, और चेडर चीज के बारे में आप बता रहे थे कि आप खा सकते हैं, वो उसकी मैं तो बहुत फैन हूँ, लेकिन वो भी मैं बहुत कम करती हूँ, इतनी महंगी है चेडर चीज, शुगर के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं ये पूछ रही थी, फिर वाइट राइस आ जाते हैं वो भी मैं खा सकती हूँ या नहीं, और डाइट तो मैं बहुत करती हूँ, डाइट कॉन्शियस बहुत हूँ मैं, और मैं अपना जो
फिटनेस उसका बहुत ध्यान रखती हूँ, तो ये मुझे हमाइयों ने देखा है। तो मैं पूछ रही थी क्योंकि हम कश्मीरी लोग हैं, चावल नहीं छोड़ सकते, लोबिया की दाल नहीं छोड़ सकते, और गोश्त नहीं छोड़ सकते, और दूसरा ये आप एक काम किया करें ज़ायदा आंटी, आप अगर मटन नहीं खा सकती हैं तो आप मटन का सदका निकाला करें, 4-5 किलो जो है हमें भेज दिया करें, हम खा लेंगे। नहीं बेटा, सदके के बगैर आपको खिलाऊंगी ना, क्यों आपको सदका खिलाऊंगी। अच्छा, और दूसरा बड़े मजे की बात है, इतने अमीर आपके माशाल्लाह दोस्त अहबाब है, हमारे 2-3 यहाँ पे लोग हैं, उनका रिश्ता अगर कोई अच्छे घराने में हो जाए, इम्तियाज हो गया, मोइन हो गया, गुल खान हो गया, तो इनके अगर आप रिश्ते के अच्छे जगह पे करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो मैं इम्तियाज से कांटेक्ट कर लूंगी ना, अगर इसको रिश्ते की। लेकिन आपने तस्वीर नहीं दिखानी जब तक आखिरी तक हाँ नहीं होती, जब तक वो लिख के नहीं देते पेपर में, जब तक वो कागज पे लिख के नहीं देते कि वो लड़की देंगे, आपने तस्वीर नहीं दिखानी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा भी तो बुलाना है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसीलिए इम्तियाज कर रही हूँ, वरना तो मैं लेट ना करा। ख्याल रखिए, अपना सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, पहले तो शहजाद के लिए बताएं, शहजाद की कमजोरी होगी मोहब्बत की कमजोरी नहीं है, कोई और कमजोरी है, क्यों नहीं ठीक हो रही, वो कैसे मसल गेन करे, वो कह रहे जिम भी जाते हैं फिर भी नहीं होती। देखिए, सम टाइम ये होता है कि आपकी, इनसे पहले तो क्वेश्चन ये था कि डाइट कितनी ले रहे हैं, किस हिसाब से, कुछ लोग जिम जाते हैं बट वो मील मैनेज नहीं करते। फिर सेकंड एक होता है, थोड़ा सा बॉडी टाइप डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, कि कुछ होता है कि जितना मर्ज़ी खा लें, या वो खा रहे होते हैं अपनी जगह कार्ब्स खा रहे होते हैं, या फैट खा रहे होते हैं, या पराठे और खा रहे होते हैं, तो उनकी नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो चीज़ है कि आपकी सबसे पहले तो मील, कि आपकी कितने टाइम मील ले रहे हैं और आप उस मील में खा क्या रहे हैं। अब आपने जो अगर वेट गेन करना है तो उसमें आपकी अच्छी क्वान्टिटी के अंदर आपने तकरीबन रखना है 51% आप रखें, 45-50% आपने प्रोटीन रखना है अपने उसमें, ताकि आपका लीन मास क्रिएट हो, और आपने 30-35% अपने साथ कार्ब्स रखनी है, ठीक, ताकि वो आपको एनर्जी दें। और कार्ब्स का मतलब है रोटी, चावल, काम करने लगा था, रोटी चावल और आपका गंदुम हो गई, ठीक है, आपका जौ का दलिया हो गया, आपके अनाज हो गए जो ये दालें वगैरह हैं, ठीक है, ठीक है। और प्रोटीन के हवाले से जितना भी गोश्त है वो आप ले लें, लोबिया ले लें, अंडे ले लें, ये मेरे ख्याल में प्रोटीन के लिए प्रोटीन है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मामून से पूछेंगे, ज़ायदा आंटी ने जो पूछा है, जो शुगर पेशेंट है उनके लिए कौन सी स्पेसिफाइड डाइट होनी चाहिए, मखसूस क्या गज़ा वो खाएं, जैसे कि आपको बताया कि ISSA के सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं, फिटनेस कोच भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो बताएंगे ऑफकोर्स कि क्या होना चाहिए, और साथ में हम इनसे अगला सवाल पूछेंगे सप्लीमेंट के हवाले से कितने बेहतर होते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। कहते हैं अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें यह साबित हुआ कि वहाँ पर तकरीबन 5 से 17 साल के बच्चों को कितनी दफ़ा माँ बाप ये लोग ना करते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते, ये नहीं करो, तकरीबन 1,00,000 दफ़ा, 1 साल में 1,00,000 दफ़ा कहते हैं जी ये ना करो। खुद सोचें, जो जैसी कंट्री, जैसी अमेरिका कंट्री है, वहाँ पर अगर 1,00,000 दफ़ा कहते हैं तो पाकिस्तान में तो हमें हर काम में कहते नहीं बेटे आप ये नहीं कर सकते, छोड़ दो। वो देखा है इस ख़ानदान ने जैसे किसी ने नहीं किया, तो जनाब वो मैंने जो कहा था ना, ताले जो लगे हुए, जंदरे लगे हुए, उनको तोड़े खोले, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वेलकम बैक टू द शो, आप देख रहे हैं एक और सब जी, वापस आते हैं आपके पास मामून। ज़ायदा आंटी ने पूछा था शुगर पेशेंट्स के लिए क्या ठीक है, वो कहती है मैं गोश्त तो निकाल दिए, गोश्त तो मैं खाती नहीं हूँ। फिर उन्होंने चावलों के बारे में कहा, उन्होंने कहा चावल हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम कश्मीर, जी जी बेटे रख दो आप चाय, तो उन्होंने कहा चावल जो है वो मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि चावल हम कश्मीरी हैं, और कश्मीरी जो है और जो मरी के लोग हैं वो चावल नहीं छोड़ सकते, वो बड़े बेहतरीन तरीके से खाते हैं। तो व्हाट टू डू, व्हाट डाइट शी शुड अप्लाई, क्या खाना चाहिए उनको? शुगर पेशेंट इसमें कार्ब्स की जिस तरह बात करूं तो कार्ब्स की क्वांटिटी तो उन्हें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जिसको चावल और रोटी चावल जो कहते हैं, चावल भी जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि उन्होंने चावल नहीं छोड़ सकते, थोड़ी पोषण, थोड़े पोषण में खाएं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा जो है वो सैलड वगैरह डालें, ताकि उनको जो एक फीलिंग है ना, जो उनको होता है कि यार हमने खाने जो भूख कम होने की वो उनको थोड़ी सी फुलनेस आ जाए उनके स्टमक के अंदर। ठीक है, ठीक है। बेसिकली शुगर के पेशेंट को ये होता है कार्ब्स थोड़े से एनर्जी देने के लिए होते हैं, कि उन्होंने एनर्जी लेनी है उसकी, उनके बिल्कुल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा ग्लाइकोजन उनके प्रोड्यूस होता रहा है। इन्होंने जाना प्रोटीन के ऊपर ही है, लेकिन प्रोटीन के सोर्स के लिए ये कि ये
या फल पे थोड़ा बहुत लेंगे, फ्रूट भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे, वो भी एक थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फल भी रिकमेंड नहीं होते, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है, तो इस वजह से फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा खैर वो नहीं है, लेकिन वो कन्वर्ट होता है उसमें ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज के अंदर, हाँ ऑफ कोर्स वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो भी हार्मफुल होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो प्रोटीन का अल्टरनेट ले लें, यानी कि थोड़ा बहुत लाल लोबिया वगैरह खा लें या थोड़े बहुत काले चने ले लें, वो कश्मीरियों को आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो लाल लोबिया दबा के खाते हैं, बहुत ज़्यादा भी इतने उसमें, क्योंकि उसके अंदर भी कार्ब्स मौजूद हैं, अच्छा, क्योंकि लाल लोबिया है तो गोश्त का नेमल, बीफ का नेमल बदल लिया, लेकिन चीज़ है कि उसके अंदर भी कार्ब्स की क्वान्टिटी तो मौजूद है, वो भी हमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर जाए इनका ये, और दूसरे एक्सरसाइज करें, अपना एक वेट जो है वो मेनटेन रखें। अब इनसे एक चीज़ और पूछना रह गई थी कि इनसे पूछना चाहिए ये डायबिटिक टाइप 1 है या डायबिटिक टाइप 2 है, अच्छा ओ उससे भी फ़र्क पड़ता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है, डायबिटिक टाइप अगर 1 है तो उस तो इंसुलिन आपकी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन डायबिटिक टाइप 2 है तो उसमें फिर इनका ये है कि डाइट बहुत मैटर करती है, डाइट के साथ इनका जो वेट लॉस जर्नी है, जो रिसर्च कहती है अगर आप 10-15 kg वेट अपना डाउन कर लें, क्योंकि उसमें ये होता है डायबिटिक टाइप 2 जो मोस्टली लोग होते हैं वो ओवरवेट होते हैं, तो वो अगर 10-15 kg अपना वेट डाउन करेंगे तो उनकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। वापस आएंगे क्रॉसफिट वाले से, वाले से मजीद पूछेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के सवाल भी जो पूछा था आपसे मैं पूछूंगा। हम आयशा की कॉल लेते हैं, आयशा से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा, क्या हाल चाल है आयशा जी? आयशा जी कैसी है आप? कैसे हमायूं भाई? बिल्कुल ठीक, टिप टॉप, मजे में। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बेहतर हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अ गुड न्यूज, क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, और बिल्कुल मैं हलीमा को बहुत मिस कर रही हूँ। सेम सेम सेम, मैं भी बहुत उसे मिस कर रहा हूँ। आज बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। मैं आपकी जैकेट देख रही थी, मैंने कहा कितनी प्यारी जैकेट भाई। अच्छा ये जैकेट में बड़े मजे की बात बताऊं, ये जैकेट मेरी नहीं है, जैकेट मेरी एक दोस्त है जो कि यूके चली गई थी, तो उसने मुझे कहा ये जैकेट तुम पे बहुत अच्छी लग रही है, तुम ले लो, तो मैंने उससे ले ली। एक्चुअली वो भी ट्रेनर है, मरियम तारिक। हाँ बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। ये जो भाई आए हैं ना फिटनेस के हवाले से बात करें, तो मैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब जिनकी शुगर लेवल जो है वो लो है, तो वो भी क्या मतलब जब वॉक करें तो कैसे पता चलेगा कि लो, मतलब अब लो हो गई है या अभी भी ठीक है? कैसे लो हो जाती है, शुगर लेवल लो हो जाती है या ठीक रहती है मेंटेन? इसी तरह बीपी का है कि चलने से बीपी लो हो जाता है ज्यादा या एक्सरसाइज करने से ज्यादा? आप डायबिटीज है आपको? चीनी या मीठा कोई भी चीज एनी टाइम खाना पड़ता है, तो मैं ज्यादा चलने से ग्रेज करती हूँ, तो क्या आप मुझे जरूर बताएं कि ये चलने से मेंटेन होती है या क्या होता है? मैडम एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी डाइट की रूटीन क्या है, कितने मील्स ले रही हैं आप पर डे? मैं नहीं, मैं तो डरती हूँ, मैं ज्यादा चलने से बस छत तक जाती हूँ। नहीं वो पूछ रहे हैं आप दिन में कितनी दफा खाना खाती हैं, कितनी दफा खाना खाती हैं, क्या क्या खाना? खाना मेरा ऐसा होता है कि मुझे हर टाइम भूख लगी होती है। ये तो मेरे वाला हिस्सा है, ये मेरे वाला मसला है, मुझे सामा का भी मसला है, मैं कहती हूं हर टाइम कुछ ना कुछ खाऊं, लेकिन ये कि मतलब जब बहुत ज्यादा पेट खाली महसूस हो तो फिर खा लेती हूँ, तो खाती प्रोटीन का ही हूँ सुबह दोपहर और शाम में। आप यानी प्रोटीन कार्ब्स नहीं लेती? सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, मैं कहा आप कार्ब्स वगैरह नहीं, यानी रोटी नहीं खाती, चावल वगैरह ये चीज नहीं खाती, आप ज्यादा गोश्त वगैरह या वैसे खा लेती हैं, रूखा गोश्त ले लेके खा लिया जैसा प्रोटीन के इंटेक? खाती हूँ, चावल भी खा लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ जो मिले, और जो मिल जाए। मैं मुर्गी का गोश्त बहुत ज्यादा खाती हूँ, और से मुझे सारे मना करते हैं कि ना खाया करो, वो मैं ज्यादा खाती हूँ, मैं चावल भी बहुत ज्यादा खाती हूँ, सांस की तकलीफ होती है फिर भी खाती हूँ। और एक चीज और है, वो मैं आजकल मैं इंश्योर स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में मुझे बताइए कि इंश्योर ठीक है? काफी बीमारी से उठी हूँ। तो माशाल्लाह आप खा तो दुनिया की कोई चीज छोड़ नहीं रही, जो रह गया था वो भी आपने इंश्योर पूरा कर लिया, वेरी गुड आई लाइक इट। अमायूं भाई, अमायूं भाई अभी मुझे
हमायूं भाई मुझे खाने के लिए ढेरों ढेर दे दो, मैं खा लूं माशाल्लाह। हमारे पास ऐसा एक है बंदा, ऐसी एक वैसी चीज हमारे पास है, इम्तियाज नाम है उसका, उसको आप जो दे दे ये टेबल को भी चक मार लेता होता है कभी, उसको भूख लगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सवाल का जवाब लेते हैं जी। कमिंग बैक फ्रॉम द एसएन भाई के सवाल, जल्दी से आपने जवाब देने क्योंकि कॉल्स आ रही हैं। वो क्रॉसफिट का आपने बता दिया कि उससे जो है वो लीन मसल की तरफ वो जाता है, आपको एथलेटिक फिजिक आप एथलेटिक फिजिक आती है, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए, सांस के बेहतर करने के लिए क्या करना है उसके लिए? कार्डियो है आपका, आप तो रनिंग करें, ठीक है, उसके लिए आप ओपन एयर में जाके सुबह वॉक करें जो कार्डिक हेल्थ के लिए जरूरी है आपकी। लेकिन अगर कराची में तो आपने ओपन एयर में नहीं हवा में जाना, आपने घर में करनी है, घर में करनी है, आपने बेहोश हो जाना है तो उसके लिए भी ये है कि जंपिंग जैक्स हैं, हाई नीज है, जो कि आपकी कार्डिक हार्ट हेल्थ जो हार्ट रेट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करे, वो आपकी कार्डिक हेल्थ के लिए बेहतर है जी। उसमें भी एक चीज़ भी ध्यान आपने करना है कि आपका जो हार्ट रेट है वो एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर ना जाए, यानी 240 मैक्स है जी, उसमें से माइनस कर दें एज, यानी अगर आप तो ऐप से जिसमें आप देख सकते हैं जी, आप उसके थ्रू उस पर रखें आपकी मेटाबॉलिक ऑटोमेटिकली, जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ना तो आपका मेटाबॉलिक ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वो एक्टिवेट होता रहता है। ओ, वो कह रहे हैं अगर आप भागेंगे जो वर्जिश करेंगे उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो हजम करने का कुव्वत मुदाफियत है वो खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। गुड यार, ये तो बेहतरीन हो गया। आप जरा आयशा जी का बताएं कि वो जो उन्होंने पूरी लिस्ट बताई कि चीज़ें खाती क्या करें वो साथ में। उनका जो मैंने एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा इतनी टाइम नहीं मिला कि इनसे मैं पूछूं, अच्छा डाइट के अंदर जो हम कार्ब्स लेते हैं ना, कार्ब्स बेसिकली हमें एनर्जी देता है। अब उसमें दो तरह के कार्ब्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स होते हैं। अच्छा, यानी एक कार्ब तो होता है जैसे आपने फल खाया वो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके अपने आपको एनर्जी देता रहता है। तो आपके जो हाइपोग्लिसीमिया के पेशेंट हैं, यानी जो उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, वो मेजर जो उनकी ये होती है कि वो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है ना, वेट तो हमारे जहन में होता है कि नहीं हमने बहुत ज़्यादा वेट लॉस जाना है तो हमने कार्ब छोड़ देने, रोटी छोड़ देने, चावल छोड़ देने। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कॉम्प्लेक्स कार्ब भी अपने साथ ऐड करने हैं, यानी रोटी भी थोड़ी ऐड करनी है उन्होंने, चावल भी खाने हैं साथ में, ठीक है, ओट मील वगैरह भी लेना है, ताकि उनको दिन में वो थोड़ी थोड़ी जिस टाइम पे वो कर रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं या जॉग वॉक पे जा रही हैं उनको वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी देता रहे। तो प्रोटीन जो है वो जो इनटेक करते हैं, प्रोटीन तो लास्ट हमारे एक स्टेज होता है जब बॉडी हमारी यूटिलाइज करती है, जब एट द स्टेज ऑफ स्टारवेशन होते हैं हम, जब अच्छा। हमें बिल्कुल शदीद भूख लगी हुई होती है तब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, कर रहे होते उससे पहले फैट एंड कार्ब्स ही आपका सिंथेसाइज होकर, ठीक है, यानी कि आपने वो भी ज्यादा उसको भी देखना है, ध्यान रखना है। हमारे साथ कॉलर है मिसेज जुल्फिकार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बाबूल, आपका बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बातें अच्छे आप क्वेश्चन करते हैं जो हमारे मोबाइल में आ रहे होते हैं वो आपको, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। तो मैंने जो ना इनसे डॉक्टर साहब से पूछना था कि क्या ऐसा होता है कि जब इंसान कोई टेंशन में हो, किसी में स्ट्रेस में हो, तो उससे एनर्जी उसकी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि कमर में दर्द, कमर में दर्द और जिस्म में मुझे दर्द शुरू हो जाता है, और कहते हैं कि कैल्शियम जलती है, क्या ऐसा होता है? अगर मैं बहुत कुछ स्ट्रेस लूं तो जितना मैं यकीनन मामूल से पूछेंगे हम यकीनन मिस जुल्फिकार, लेकिन बात ये कि ज़ायदा मलिक मैं बंद करूंगी तो फिर वो बताएं जवाब, जी जी अभी जी, नहीं जी जी ठीक है। मैंने मैम ज़ायदा मलिक का मुझे नंबर चाहिए था, मैं भी बेसिकली चकवाल से हूँ और इंटरनेशनल मैरिज कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे क्योंकि ये चकवाल से हैं तो मुझे अपनी यूके से जो आई हुई है चकवाल में क्लाइंट, तो उनके लिए मुझे प्रपोजल चाहिए था वहाँ से किसी लड़के का, लड़के का यूके जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, चकवाल से बिलोंग करता हूँ, मैं चकवाल से बिलोंग कर लूंगा, मैं घर ले लूंगा भाई, प्लॉट ले लूंगा, आप बताए मुझे, मैं यूके जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ से चाहिए था यार, नंबर अगर मुझे शेयर कर दे, मतलब नेकी और मेरा नंबर शेयर करें यार, छोड़े ज़ायदा आंटी का नंबर, आप मेरा नंबर शेयर करें, मैं चकवाल में प्लॉट ले लूंगा, आप कहें मैं मैदान में बैठ जाऊंगा, आप मेरे नंबर भी मुझे कॉल करें, मैं आपके लिए और बहुत दूंगी, नहीं नहीं ये क्यों और रखे, आप माने ये यहाँ सारे कैमरा छोड़ दिया सबने, पीसीआर से लोग भागना शुरू हो गए यूके का सुन के, आप बताएं यहाँ पे मर्द बहुत है, ये जमील तीसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो गए, वो देखे वो कह रहे हैं आई एम रेडी, चलो मैं फोन बंद करती हूँ, अगर आप मुझे उनका नंबर शेयर कर सके यार, आप छोड़े आप मिसेस जुल्फिकार को बुलाएं यार, पहले प्रोग्राम में ज़ायदा आंटी को छोड़े, मेरा काम तो करें, मैं तो यहाँ से यूके की तरफ निकलूं। जी आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको यूके के बड़े अच्छे क्लाइंट, आप साथ ही रहे, आप एक काम करें, आप साथ रहे, ज़ायदा आंटी को आपके आपको लाइन पे देते हैं, आप कॉल पे रहे, अच्छी बात है, आप कॉल पे रहे, बात करवा दे जी ज़ायदा आंटी,
अच्छा जायदा आंटी को हम कॉल पे ले रहे हैं, आपने ये भी करना है, अब आप रिश्ते कराती हैं, मेरा जो रोला पड़ा हुआ आपने वो देखा ही नहीं है कि मेरे लिए आपको रिश्ता ढूंढना है। मैं कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़ती हूँ। आप YouTube पे मेरे शो तो देखे ना, मैं चार मॉर्निंग शोज में आ चुकी हूँ। यार इनको बुलाएं यार, मेरा कोई रिश्ता हो तो, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरी टीम मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी कुछ ऐसा अच्छा काम नहीं किया। अभी इम्तियाज का ना दे दीजिएगा, जो रिश्ता होना है वो भी खराब हो जाएगा हमारा, हमें तो सीर भी भेज देनी इम्तियाज की। तो अभी हम जायदा आंटी को साथ कॉलर ले रहे, देखिए हो सकता है किसी का भला हो जाए, भला हो जाए, अच्छी हम साथ साथ कॉल पे ले रहे हैं, आप वेट करें, अभी हम उनको कॉल पे लेते हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी मॉर्निंग शो में। जी जायदा आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जायदा आंटी इतनी मशहूर है आप, देखिए एक चकवा। हाँ जी जायदा आंटी, आपको आवाज आ रही है मुझे जुल्फकार की? जी आ रही है, आ रही है। कॉलर जी जायदा आंटी नहीं, जायदा आपा। जायदा आपा जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं जायदा वीर हूँ, जायदा मलक नहीं हूँ। आप कैसी हैं? मुझे आपसे बात करनी है जायदा। आप टीवी का आवाज बंद कर दें, टीवी की आवाज बंद कर दें मिसेस जुल्फिकार, तब बात हो सकेगी। चलें। हाँ जी जी बंद है, बंद बिल्कुल। हाँ जी बंद कर दी। आप बोलिए। जी 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 जायदा, तो मुझे आपके चकवाल से, मुझे मेरी एक यूके की क्लाइंट आई हुई है, मैं एक मैरिज कंसल्टेंट हूँ, इंटरनेशनली काम करती हूँ, तो उनके लिए मुझे चकवाल से मुझे कोई बहुत अच्छी एजुकेशनल डिग्री वाला लड़का चाहिए। इस वक्त वो क्लाइंट मेरी चकवाल में मौजूद है और वो चौधरी फैमिली से। अच्छा तो आप मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दे देना, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँ, या मेरा नंबर उनको आप दे दें। नहीं मैं, आप मुझे मुझे कांटेक्ट करके बताएं। ओए होए ओए होए होए, ये हुई औरतों वाली, कहती नहीं आप मुझे कांटेक्ट करें, कह रही नहीं आप मेरा नंबर ले, या मैं आपको कर, चले आप मेरा नंबर ले ना 0334। अच्छा वो बाप अब ऑनर ऑनर नहीं देना जायदा आंटी, अभी देते हैं नंबर हम जुल्फकार को, आपका नंबर दे देते ठीक है शादी मेरी प्यारी। जायदा आंटी जो आपको पता है ना किसका नंबर, आपने किसका रिश्ता कराना है जायदा आंटी, आपको पता है कौन लड़का एजुकेशन जिसके पास अच्छी डिग्री है, जिसके भी डिग्री मिली है, जिसको कौन है वो? मुझे तो फिलहाल आप ही लग रही हैं। बस जी कॉल बंद करेंगे, रिश्ता इंशाल्लाह होएगा तो आपको बताएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मिसेस जुल्फकार आपको नंबर देते हैं, जायदा आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज अ फन कॉल, मेरे ख्याल में हमारे शो में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इस तरह रिश्ता कराया, पर आप लोगों को भी मुबारक हो, मेरे ख्याल में मिठाई बांट दे, मेरा रिश्ता तय हो गया जी आखिरकार, इतनी मुशक्कतों के बाद साल होने को है शो में और आखिर में मेरा यहाँ पे आपके तवस्से, यार आप बड़े लकी साबित हुए मेरे लिए। आप शादीशुदा है? नहीं यार, तुम सारे कमारों को यही बुलाते हैं, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं अभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली अनमैरिड। आप चकवाल से तो नहीं है? मैं सोच रहा था शनाख्ती कार्ड तो बन जाता 2 मिनट में, आईडी कार्ड चेंज कराते। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुना कैसे हैं? यार मुबारकबाद तो दे दो, मेरा रिश्ता हो गया। मैं वही बात बताने लगी हूँ आपको। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं कह रही हूँ वो जिसकी जिंदगी में ना हलीमा आती है ना, वो खुश नसीब आदमी है। हैं? मैं बात तो सुने, पूरी बात तो सुने। सुनाए। मैं कह रही हूँ जिसकी जिंदगी में हलीमा आती है ना, वो खुश नसीब आदमी है। अच्छा। इतनी अच्छी नेचर की हर लिहाज से, हर संभालने वाली। बहुत अच्छी हलीमा, अच्छी बात है। तो मैं तो कहती हूँ इसी तरह की लड़की आपकी जिंदगी में आए इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे खुदा का वास्ते, इतनी मुझे अच्छी लगती है लीमा, लेकिन ये ना कहो आपको कैसी चाहिए? मुझे अल्लाह मियां की गाय चाहिए। आपने देखा नहीं मेरा रिश्ता हुआ थोड़ी देर पहले, यूके की है माशाल्लाह मेरी होने वाली। सुन भी रही थी तो मेरी जो आपकी भाभी है वो यूके की है माशाल्लाह, तो अब मैं तो यूके जा रहा हूँ, अब शो पता नहीं कौन करेगा। अगर शादी करेंगे इतनी अच्छा बात करेगा, लहजा आवाज हर आदत आपकी सही है माशाल्लाह, वो कुछ नसीब ही होगा जो आपके जिंदगी में आएगी। हाँ वैसे सही कह रही है, बस आ गई है फिर, अब शर्म आ रही है मुझे। कोई और बात मुझे बुला लेना आपको, मैंने लेनी है ना। देखिए बात सुने, अब तो जो होगा उसका हुक्म होगा, वो यूके की है, जो कहे कि मैं तो वही करूंगा। अगर कहती है उसने उधर ही रख लेना आपको, उधर ही। हाँ तो सही है ना, मैं कहता हूँ रख ले मुझे, मैं कहता हूँ पाले मुझे। हाँ मैं कैसे बात करेंगे आपसे, मैं कहता हूँ 2-3 लाख हर रोज मेरे मुंह पे मार दिया करे, ये ले जा खर्च कर। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा है, थोड़ा आपकी जिंदगी में इनसे सवाल था मेरा, पूछे ना आप, क्यों नहीं पूछ रही?
मैं कह रही हूँ कि जिसका वजन ज्यादा हो वो ग्रीन टी पिए तो फिर इसे वजन कम ही ना होता, क्या होता है बताए ना? बताए ना, खाली ग्रीन टी पीने से वजन कम नहीं होता, उसके साथ आपने जो है वो एक्सरसाइज भी करनी है। कौन सी एक्सरसाइज अभी अभी बताते भी करके भी आपका मींस उसमें ये नहीं है कि आप जो है वो वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन वॉक से वजन उतना कम नहीं होता, वो कार्डिक हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। आपने उसके लिए घर पे ही होम है, घर पे ही आप सर्कट ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी आप जिम जा ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके आप एक्सरसाइज करें दैन ग्रीन टी पे आपको ज़्यादा जल्दी इफाका होगा। ठीक है, आपने मेरे ख्याल में सबके सवालों के जवाब मेरे ख्याल में दे दिए, कोई सवाल नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया मामून, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। आज आपके सामने हमने बड़ा जो है वो शुगर भी लगाया। आपके रिश्ते के लिए हम कहते हैं हमारे पास मैरिज कंसल्टेंट अब आ गया, उनको हम शो पर बुलाएंगे तो फिर आपका भी रिश्ता हम करवा देते हैं। ठीक है, बाहर की असामी हो? नहीं नहीं, हम पाकिस्तान की भी हो चलेगी, कोई हो बस जिंदा हो, जिंदा सांस लेती हो, चले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे। हम यहाँ पर क्योंकि आपको हंसाते हंसते हंसाते रहते हैं, लेकिन इसका कोई भी मतलब जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो सुबह है वो अच्छी गुजरे, कोई गलती कोताही होगी हो तो माफ़ कीजिएगा। हम यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, एक आर्टिस्ट से आपको मिलवाएंगे जिनके फन पारे देख कर आप भी दंग रह जाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। और आपको बताऊं अगर आज हलीमा होती तो हलीमा को चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं और वो चीज़ों को ना वारी वारी सदके जरूर जा रही होती कि कितनी प्यारी चीज़ें। घड़ी किसने ठीक की है? वाह वाह, आई लाइक इट, ये मुझे लगता है उनके शौहर नामजद ने जो है वो घड़ी को ठीक कर दिया। अच्छा जी, आप ये चीज़ें देख रहे होंगे, ये जो आपके सामने पड़ी है इसे रेजन कहते हैं। आई एम श्योर कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये रेजन आर्ट जो है ये कैसे किया जाता है? इंक और पेंटिंग को शायद मिक्स किया जाता है या कुछ और भी कोई प्रोडक्ट्स है जो उसको शामिल किया जाता है, फिर रेजन बनता है। जो एक्चुअली जो साइंस है रेजन आर्ट की, इसे एपॉक्सी रेजन कहा जाता है। और ये इंक और पेंट और बहुत सी डिफरेंट चीज़ों को, ग्लिटर और ये सारी चीज़ें मिलाकर रेजन आर्ट को तख्लीक किया जाता है। लेकिन असल कहानी क्या है, ये तो बुकिश नॉलेज है जो हमें हासिल हुई है कि कैसे बनता है, क्या करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया बहुत दफ़ा कि COVID-19 के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घरों में शुरू हुई, बहुत सारी ख़वातीन खुद मुख्तार हुई, उन्हें लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी बेची जा सकती हैं, उसके लिए कोई आउटलेट होना ज़रूरी नहीं है। इसी हवाले से आज इनके साथ हमारी आपकी मुलाकात करवाने लगे। वो पहले 3D एनिमेशन की जॉब करती थी एंड देन शी शिफ्टेड टू रेजन आर्ट। रेजन आर्ट एनिमेशन में कितना फ़र्क है? आज जो जो बच्चियां घर में बैठी हुई हैं जो कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक साथ कर सकते हैं, तो अगर आप ये करना चाहते हैं, अभी आप देख भी रहे हैं कितनी खूबसूरत घड़ी आपके सामने, और ये भी मेरे ख्याल में रेजन आर्ट से ही बनी हुई है। एंड वॉट अ ब्यूटिफुल वॉल क्लॉक दिस इज, जो कि मैं शायद चोरी कर लूँ थोड़ी देर तक, गायब हो जाए, पर बहुत बड़ी है, गायब नहीं हो सकती। आपको बताते हैं जनाब ये तख्लीक किसने किया। जनाब हमारे साथ मौजूद है बेनी सबा, जिन्हें BCA 3D एनिमेशन किया है। BCA भी क्या होता है ये भी हम गोइंग टू आस्क कर, और एनिमेशन स्पेशलिस्ट भी रह चुकी हैं। बी आर्टिसन आर्टिस्तान के नाम से मेरे ख्याल में उनका पेज है जहाँ से ये ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये बिजनेस कैसे चल रहा है, रीज़न होता क्या है, कितना एक्सपेंसिव है, टूटता है नहीं टूटता, क्या क्या सवाल आते हैं इस हवाले से, बिजनेस कितना फ्लरिश कर सकता है, ये पूछेंगे बेनी से। सुबह खैर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। बिनी सुबह सवेरे कितने बजे उठती हैं? सबसे पहला सवाल हम ये करते हैं। सुबह मैं नमाज के टाइम तकरीबन 5:30-6 बजे आप उठ जाती हैं। और रात को सोती कितने बजे आप? रात को वो डिपेंड करता है। इस पे आप जरा अटक गई है। हाँ, वो डिपेंड करता है। एक बज जाए, बच्चे सोएं तो सोएं वरना नहीं। बच्चों को मैं पहले सुलाती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर रिलैक्स। वो हमारी वाली अम्मी है जो कहती है बेटा 9 बज के चलो, शाबाश। बिल्कुल, मुझे लगता है सख्त वाली अम्मी आप। नहीं, सख्त वाली बीवी है फिर आप? नहीं नहीं, वो हंस रहे, आपके शौहर हंस रहे, आप सख्त वाली बीवी भी हैं, मुझे लगता है एट टाइम सख्त हो जाते हैं। वो हर वक्त हंसते हैं, वो हर वक्त हंसते हैं, शादी के बाद भी? यार ये हिम्मत है, शादी के बाद से ज्यादा हंसते हैं। अच्छा, फिर मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में वो पता नहीं किस चीज़ पे हंस रहे होंगे, लेकिन शादी के बाद हंसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरा ख्याल है। चले मूविंग ऑन, हम आपकी सबसे पहले पूछेंगे रेजन होता क्या, रेजन आर्ट क्या, जो मैंने कहा पेंटिंग और इंक को मिलाकर होता है, किताबों में तो यही लिखा है। असल में ना ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर आप इसका अलग से, उसको लिक्विड का नाम ही रेजन है? हाँ जी। ओ
फिर उसके बाद इसके डिफरेंट मोल्ड्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अच्छा। फिर आप इनकी डिफरेंट इंक्स होती हैं, इसके पिगमेंट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मतलब कहा यह जाता है कि रेजिन इतना मुश्किल आर्ट नहीं है, अगर ये सीखना चाहे तो बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, क्या ये बात दुरुस्त है? चीज़ कोई भी मुश्किल नहीं होती। हाँ। लेकिन यह है कि प्रैक्टिस आप उसको करते रहें तो फिर परफेक्शन आती रहती है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप में थोड़ी सी है आर्ट आप कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। मेरी शुरुआत कहाँ से की? मैं बचपन से ही ना, मुझे आर्ट्स का शौक था। अच्छा। फिर मैंने BCA किया वो कंप्यूटर आर्ट्स। ये BCA क्या होता है, स्टैंड्स फॉर क्या है? कंप्यूटर आर्ट्स। कंप्यूटर आर्ट्स, अच्छा, मैंने पहली बार सुना है। नहीं, बहुत पुराना हो गया। अच्छा, मैं फिर शायद बहुत, मुझे लगता है मैं नया बहुत हूं। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर जॉब शुरू की, फिर देन माशाल्लाह से मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ी घर में ना करती रहती थी, कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। फिर मैंने रेजन का स्टार्ट किया काम। ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे पता चला कि रेजन पे काम कराया जा सकता है? एनिमेशन रेजन का कोई ताल्लुक है? नहीं। तो फिर ये कैसे, वन गुड डे कैसे याद आया कि यार ये रेजन से भी काम हो सकता है, इसको जरा ट्राई करते हैं? मैं असल में ना ऑनलाइन लेती थी क्लासेस ना। ओह, रेजन की? हाँ, वो बाहर के कुछ हैं रेजन आर्टिस्ट जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ। अच्छा। और मैं उनका काम भी देखती रहती हूँ। हाँ, हाँ। तो वो ये है कि वो एक इंस्पिरेशन होती है ना कि अच्छा इस तरह बनता है, ये टेक्निक होती है, तो वो फिर फॉलो करते करते फिर मैंने एक छोटे लेवल से शुरू किया। एंड देन फिर जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मुझे कहा कि काम मतलब है अच्छा, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू इट ना। अच्छा, तो मैंने कहा चलो किसे पासे तो लगी रहेगी ना, मेरे लाल छोड़ो। तो वो फिर ये कि फिर मैंने शुरू कर दिया ऐसे। फिर और ये किस ईयर की बात है, कब शुरू किया था? इट्स लाइक 4 इयर्स बैक। यानी कोविड में आपने शुरू किया था होगा? कोविड से पहले? नहीं, कोविड से पहले नहीं, कोविड के बाद। कोविड के बाद? अच्छा, कोविड के टाइम पे आपने इसको शुरू कर दिया, मतलब 2020 में शुरू किया, कोविड खत्म हो रहा था, साथ साथ जा भी रहा था, फिर आ रहा था, वापस आ रहा था, और तब आपने शुरू किया। सबसे पहली चीज क्या बनाई? सबसे पहले मैंने बुक, ये जो पड़ी हुई है, इस तरह की बुक बनाई। हाँ, इस तरह की बुक। मैं दिखा सकता हूँ अगर आप मेरा कैमरे के शॉट पे। Oh, that's a beautiful. Oh my God, this is actually a beautiful notebook. अच्छा, इसके ऊपर ये solid है? जी। ये basically this is resin ना? ये होता है एक liquid form में आता है। तो इसे सांचे में डालती हैं आप? जी, इसके molds भी होते हैं। ये देखिए, इसको आप बताती जाएं, हम सुन रहे हैं। इसके molds होते हैं और इसके अलावा ना different techniques होती हैं, जैसे ये canvas पे भी है, wood पे भी हुआ हुआ है। फिर इसके अंदर ड्राई फ्लावर्स भी आते हैं। अच्छा। आप ड्राई फ्लावर्स ड्राई करके, जैसे एक ये सामने ट्रे पड़ी हुई है। नहीं, इसके अंदर ये ग्लिटर कैसे आया है, मतलब इसके वो जो आपने सांचे में डाला उसके ऊपर जो डालती जाएंगी वो इस पे? हाँ, वो डालने की टेक्निक्स है, आप किस तरह क्या डाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है इसके अंदर है। जी, अंदर है, ये ऊपर नहीं है। नहीं है। कैसे, मतलब अंदर कैसे क्या है ये? ये लंबी तरह से पढ़ाया जाता है ना, फिर समझ आती है। आप भी सिखाएंगे? आप कह रही कोई और ना सीखने की और शुरू कर दे तो मेरा बिजनेस कम हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी मैंने असल में शुरू नहीं किया सिखाना, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप क्लासेस अच्छा, लें। और ये पेजेस आपने लिए खुद, ये सारी नोटबुक आपने खुद तख्लीक की है? बिल्कुल। आपने पेजेस दिए और रिंग्स आपने खरीदे? इट्स सच इट्स फन कि आप ये चीजें खरीदने जाती होंगी कि आप इसको ये कर लो, इसके साथ ये भी कर लो तो ये अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और इवन मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे आइडियाज देते हैं कि मामा आप ये बना लें, आप की चेन्स बना लें, आप हमारे लिए पेन बना लें, इस टाइप की चीज़ें। और पेन भी बनाती हैं? बिल्कुल। पेन है आज इसमें? नहीं, आज पेन नहीं, कीचेन्स हैं। मैं कीचेन्स दिखाता हूँ आपके साथ साथ। ये तो नोटबुक बड़ी अच्छी खूबसूरत है। ये एक रहल है सामने आपके रखी हुई, ये वाली, इसकी बात करिए। अच्छा, हम इसको हम रेल कहते थे। अच्छा, इसे रहल कहते हैं वैसे? अच्छा, हम इसे रेल कहते थे, हम कहते थे सपारा पढ़ने जाते थे तो हम ये रेल रखते थे। वो बच्चा बड़ा फैंसी और अमीर होता था जो अपनी रेल लेकर आता था, हम कहते थे। अब ये कस्टमाइज भी बनती है, मतलब आप इसमें अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। आय हाय हाय, खूबसूरत। ये किसी आप प्यारे से अपनी नानी माँ को या अपनी दादी माँ को आप ये गिफ्ट कर सकते हैं, पर अम्मी अबू को भी कर सकते हैं। कुरान तो सब घर में पढ़ते हैं और खुदा के लिए ये बड़ी मैंने ज़रूरी बात साथ साथ में करनी थी, कुरान पढ़ने के लिए कस्में उठाने के लिए नहीं, आजकल पता नहीं ये सियासतदान उसको कस्में उठाने के लिए रख रहे होते हैं। प्लीज़ इसको, ओ हो, ये बुक मार्क है जी यार, ये कितना खूबसूरत, ये देखिए इतना खूबसूरत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ है, क्या खूबसूरत ये बुक मार्क है। देख रहे सारे आपकी चीज़ों को, यानी कि अपनी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, वरना ये लोग सुमन बुकमन होते हैं सारे। और ये आपने इसको, मैं अगर बंद करूं और मैं आपको इस तरह करके दिखाऊं तो ये इसमें ये भी ग्लिटर भी दोनों साइड से है, आप दोनों साइड से देखिए ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुली मेड। अच्छा, ये कलर्स डिफरेंट होते हैं या बाद में कलर ऐड होते हैं? कलर्स इसमें कलर्स भी होते हैं, इसके पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं। नहीं, जो जो रेजिन है वो आपने डाला उसमें, फिर आप साथ में कलर कोई भी अपनी मर्जी का डालती हैं? बिल्कुल। तो ये दो कलर्स में कैसे आता है, ये होता ही ऐसा रेजिन के? इट इज नहीं, ये डिफरेंट कलर की टाइप्स होती हैं। डिफरेंट कलर्स की टाइप होती है, कुछ कलर्स जैसे ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होंगे, कुछ डबल। और ये भी पूरा रेजिन से बना हुआ है? नहीं, वुड पे है। वुड के बाद वुड के ऊपर आपने रेजिन किया? बिल्कुल। अच्छा, ये देखें जी, इसे प्लैटर कहते हैं और ये प्लैटर आप किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। कहाँ दिखाऊं, इधर दिखाऊं, क्या बात में कह रहे हैं, दिखाएं जी। ये जी देखें, प्लैटर है और ये प्लैटर जो है वो रेजिन से बना हुआ है और इसकी ग्लिटर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस पे रेड। अच्छी कलर कॉम्बिनेशन कौन बताता है कि ये करना ही? खुद डिसाइड करती हैं, कॉम्बिनेशन देखती हैं। बिल्कुल, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, जो मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं उसकी तरफ आ जाऊँ, मुझे फिर मैं ट्रेस की तरफ भी आता हूँ। ये जी, आई लव दिस, ये इंटायर रेजिन है, ये क्या है? ये मार्बल है क्या? ये MDF के ऊपर है, MDF एक वुड की टाइप होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर है और इसके ऊपर ना ये एक्रेलिक कटआउट है मिरर। यार इसका जरा ज़ूम ले, इसका बड़ा घड़ी का। हाँ जी, अब वो नजर आ रही है, पता है ये क्या है? ये पहले MDF के ऊपर रेजन से काम किया हुआ और उसके ऊपर फिर जो ये है, ये एक्रेलिक कटआउट है मिरर फॉर्म में ना। अच्छा, वो इसके ऊपर लगाया हुआ और ये आपने ऊपर रेजिन भी लगाया, लेकिन ये जो इसमें जो छवि सी है, छाननी सी जो बनी है, ये क्या चीज है? ये मशीन से कट होता है। ये आपने करवाया कट? जी, ये करवाना पड़ता है। अच्छा, और प्लेसेस कहाँ से होती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको डिजाइन बताते हैं, उनको साइज बताते हैं और फिर उनको कलर बताते हैं कि गोल्डन में चाहिए, सिल्वर में या ब्लैक में, तो फिर उस तरह होता है। ओके, अब ये साथ में, अगर मैं आपका टेबल भी साथ में दिखाऊं, अगर ये घड़ी मुझसे गिर गई तो मुझे तो इनके अली साहब ने फौत कर देना है। इसको मैं बड़े तमीज़ से, तमद्दुन से उठाऊं और मैं इसको कहीं, कहाँ रखूं इसको, मैं यहाँ रख दूं? रख सकता हूँ, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको ये 12 बजे यहाँ पे 12 बजते हैं, जैसे उसामा के मुँह पर 12 बजे हुए, इस पर भी 12 बजे हुए। ये देखिए, ये आई रियली लाइक, इसको उल्टा करूँगी, गिर तो नहीं जाएगी बजरी? नहीं नहीं नहीं। ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत टेबल है, हैव अ लुक एट इट जी। गुलखान साहब इधर दिखाएं तो सही। अच्छा, ये इसको डिफाइन करें, इसमें जी बुलेट्स है, ये आप याद रखें, बुलेट्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती, ये इसको डिजाइन करने के लिए होती है। इसमें सारा बारूद निकाल कर आप इसके से अच्छी खूबसूरत चीजें भी बना सकते हैं। तो ये क्या है जनाब, आइडिया कहाँ से आया? ये मुझे बस मेरी क्रिएटिविटी समझ लें। वेरी नाइस, और इसमें आपने बजरी भी साथ में डाली हुई और एक वो, हाँ, वो भी साथ मॉस भी है साथ में। मुझे लगता है आपको बस सेलिंग ही होगा, बहुत ज्यादा लोग लेते होंगे। लोग अभी तक जो है ना वो बस पूछते हैं कैसे किया, क्योंकि महंगा है। हाँ, बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ, वापस आ जाओ। अच्छा, वैसे कहा तो जाता है कि रेजिन आर्ट इतना महंगा नहीं होता। नहीं, ये गलत कहा जाता है, ये महंगा होता है। ये महंगा होता है? क्योंकि ना इसका जो बेसिकली ये जो रेजिन है, जो ये जो मटेरियल है, ये बाहर से आता है, तो वो फिर इसलिए महंगा होता है। तो ये या पाकिस्तान से नहीं आता? नहीं, ये पाकिस्तान, ये आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है। ओह, दैट इज स्ट्रेंज, दैट इज स्ट्रेंज। इट्स अ फ्रेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इट्स अ फ्रेम जी। और ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बना? ये कैनवस है, कैनवस के ऊपर पहले जो है वो मैंने, कैनवस है ये? या ये कैनवस पे रेजन है। अच्छा, तो ये भी एक और टेक्निक है, इस पे पहले मैंने पेंट किया और जो है वो स्टारी नाइट एक बहुत मशहूर एक वो है सीरीज। ओ या दिस इज बेसिकली द स्टार, माय वर्जन ऑफ स्टारी नाइट। यार नाइस, बट आपने ये कॉन्सेप्ट कैसे है कि इसके ऊपर आप ये करें? ये भी जो है ना, ये लेजर कट हुआ हुआ है, एक शीट होती है बिल्कुल बारीक सी वुड की। अच्छा, तो दिस इज बेसिकली अगेन माय क्रिएटिविटी। दैट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुली मेड। अच्छा, आपके ऑनलाइन ऑर्डर किस चीज के ज्यादा आते हैं? व्हाट डू यू सेल द मोस्ट? मोस्टली जो है वो क्लॉक्स और रहल है, क्लॉक्स हैं और की चेन्स हैं, क्योंकि और बुक मार्क्स हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं बेसिकली वो दे यूजुअली लाइक बुकमार्क्स। मुझे तो बहुत, मैं खुद किताबें बहुत पढ़ता हूं, तो आई लव बुकमार्क्स। उनको बुकमार्क्स, कीचेन्स और ये जैसे नोटबुक्स हैं, ये चीजें, और जो मतलब खवातीन हैं वो ट्रेज ऑर्डर करती हैं या डेकोरेशन का सामान ऐसे। तो बिनिश, अभी आप अकेले ही कर रही हैं, यू हैव अ टीम या घर वालों के साथ मिलकर काम करती हैं? व्हाट इज, हाउ इट इज? अभी तो मैं अकेले कर रही हूं। अच्छा, और जो है वो घर वालों में मेरे हस्बैंड है मेरे साथ, क्योंकि जैसे कोई
टेक्निकल काम होता है ना, पेचकस लगाना पड़ जाए तो वो वहाँ पे आप हार जाती हैं, वहाँ पे वो सब ये कर वो कहते हैं ये पेच आप लगाएंगे, मैंने रखे होते साइड पे, आप आएंगे तो सारे पेज आप लगाएंगे। अच्छा, बड़ा हाथ होता है, मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ जब भी हमारे पास कोई खातून आती है बिजनेस वुमन, तो मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे सवाल करने का, कि अक्सर ये मैंने देखा है कि जब तक पीछे किसी की सपोर्ट ना हो मुश्किल हो जाता है, हो तो जाता है मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमेशा मैं देखता हूँ अगर शौहर, बाप या भाई, इन तीनों में से कोई एक हो या दोस्त भी जो आपको सपोर्ट करे तो बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में, बड़ी आसानी आ जाती है, एक सपोर्ट मिलता है। सो हु इज दैट सपोर्ट सिस्टम इन योर लाइफ? मेरे हस्बैंड। व्हेनेवर समथिंग गोज रॉन्ग तो मैं स्ट्रेट अवे इनके पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ मतलब मेरे से कुछ हो गया, एंड द फर्स्ट थिंग ही सेज के कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आई नो, आई ट्रस्ट यू, यू विल डू इट अगेन। तो ये कहाँ से मिलते हैं ऐसे शौक? ये कहीं बाहर किसे? ये ब्लेसिंग है मेरे लिए। ऐसे मैंने कभी लोग देखे जिस तरह करते हैं, पर नहीं, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे शौहर हैं, जो साथ में बेगम बात को भी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी जो परसेंटेज ऑफ वुमेन अगर आप पाकिस्तान में देखें, इट्स मोर देन मेल्स, हमारी खवातीन ज़्यादा हैं, और अगर हम उनको साथ इकोनॉमिकली साथ लेके चलेंगे तो मुल्क के लिए बड़ा फ़ायदा है। तो जो सपोर्ट सिस्टम है फैमिली की तरफ से भी पूरा है आपको, योर किड्स, योर सास ससुर, दे ऑल सपोर्ट यू? हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं कर रही हूँ, मतलब उनकी सपोर्ट, मेरे ख्याल से अगर वो सपोर्ट ना होती तो ये कुछ मैं नहीं कर पाती। तो बड़ा 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 ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बीनी एक बात करने वाली है जो मैं चारों लोग भी आपसे सीखें, आजकल ये दुनिया का कॉन्सेप्ट है जिसपे बड़ी रिसर्च हो रही है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को साथ में पालना, ये फुल टाइम ड्यूटी होती है। जब मुझे कोई हाउस वाइफ से पूछता है ना कि अच्छा खाली बच्चे संभाल रही, हाँ और कुछ नहीं कर रही, तो मुझे बड़ा दुख लगता है। मैं कहता हूँ इनको ये नहीं पता, मैं ये नहीं कि मैं माँ हूँ, मुझे इस पर पता है, लेकिन मैंने क्योंकि रिसर्च की हुई है इस पर, जितनी माएँ एफर्ट डालती हैं, जितना वो इनपुट करती हैं, जितना वो फुल टाइम जॉब है, और कोई जॉब इतनी फुल टाइम नहीं होती। सो साथ में कैसे, ये आप मुझे डिटेल में बताएं, आप कैसे बैलेंस करती हैं बिजनेस, बच्चे, शौहर, इन-लॉज, हाउ डू यू डू इट? आई गिव टाइम, ट्राई टू गिव टाइम टू एवरीबॉडी। कैसे? अब जैसे मेरे बच्चों का टाइम है वो मेरे बच्चों का टाइम है, जो हस्बैंड का टाइम है वो हस्बैंड का टाइम है, और मतलब दिस इज हाउ आई डू इट। मैं ये नहीं है कि बस आपने सिर्फ काम ही करना है, तो आप वीकेंड्स कर लेती हैं इस चीज़ों के लिए? अब जैसे अगर हम लोग ने कोई प्लान किया है, किड्स की एक्टिविटी या कोई हस्बैंड एंड वाइफ कोई ऐसी कोई प्लान है, तो मैं फिर उस वक्त अपना काम को नहीं करती, वो होनी होनी है, वो एक्टिविटी होनी है, वो होनी होनी है, वो ये नहीं कि मेरे काम, मेरे हाँ मेरे लिए मेरी फैमिली जो है ना, इट कम्स फर्स्ट। ये जो है ना, इट्स लाइक मेरा पैशन है, माय हस्बैंड नोज इट कि ये मेरा पैशन है, मैं मुझे अच्छा लगता है करना, वो मुझे इसलिए सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, तो ही गिव्स टाइम, वो कहते हैं ठीक है अब आप। दैट्स अमेजिंग। हमारी साथ एक कॉलर हैं जो कि बहुत दिनों के बाद आई हैं, हम उनकी कॉल लेते हैं और फिर ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मारिया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है मारिया? आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, जगह तब्दील कर लें, बल्कि आप टेलीविजन से दूर चली जाएं, तब आपकी आवाज़ सही आएगी। देयर इज अ नॉइज, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो जी मारिया, आप बोलें। हाँ जी, सबसे पहले तो ये कि लाइक हलीमा के बगैर बिल्कुल शो लाइक कलरलेस लगता है। हाँ, पर बिल्कुल, मजा आता है देखने का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, बस इंशाल्लाह मंडे को आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और वैसे भी शो की जान आप दोनों हैं, बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। ये है कि कोई भी मिस ना हुआ करे, है ना, ये बात सही है। मुझे जो मुझे तो कहते हैं जिससे सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली, तो मुझे तो छुट्टी मिलती नहीं है, वो मिल जाती है उसको, पर इंशाल्लाह आ जाएगी भी, मंडे के बाद हम उसे नहीं जाने देंगे, ये वादा है मेरा आपसे इंशाल्लाह। और एक और बात थी कि थैंक यू सो मच, आप दोनों ने बहुत अच्छे से मुझे बर्थडे विश किया था। हाँ, आपका सालगिरह हमने किया था, मुझे याद है, आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, और क्या कहूँगी। और गेस्ट का मैंने ऐसा, मेरा जो है लाइक जिस तरह मेल मेंबर्स को होता है उसी तरह फीमेल मेंबर्स को भी घर वगैरह डेकोर करने का होता है, तो वैसे जो भी है मुझे चाहिए कि लाइक जो गर्ल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में आए, और जिस तरह आपके शो के थ्रू जो भी गेस्ट आता है वो अपने
व्यूवर्स को गाइड करता है वो बेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑफ कोर्स बेस्ट बिकॉज वी लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर वुमेन वर्किंग हियर। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जो पाकिस्तान में ख्वातीन खुद मुख्तार हैं उनको दिखाना, इट्स एन अमेजिंग जॉब। आई थिंक हमें ये मौका देती है हमारी टीम कि हम आपके सामने उनको पेश कर सकें। फन पारे आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको किचन दिखाऊंगा, ट्रेस दिखाऊंगा जो इन्होंने बनाई है वो कैसी है, और फिर इनसे मजीद सवाल भी करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक और शो। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बी आर्टिसन, वही मैंने आर्टिस्तान बोला था, आर्टिस्तान नहीं है, बी आर्टिसन है जी। मैंने सही बोला था पहले, वैसे बी आर्टिसन है जनाब, बी डबल ई ए आर टी आई एस ए एन। आप इंस्टाग्राम पे जाएं और इसको लाइक कर दें। देखिए कितने प्यारे प्यारे से की चेन्स हैं, दिखा रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखें आप लोग, बहुत उतावले हैं। हमारे प्रोड्यूसर को आग लगी हुई है पता नहीं किस चीज़ की। ये देखें जी, ये है प्यारे से, शाइन तो नहीं आ रही, नीचे कर लूँ थोड़ा सा, अब आ रही नज़र से, हाँ डन 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 जी नज़र आ गए। ये आपने प्यारे से किचन बनाया, मैं ट्रेस के बारे में भी आपसे पूछूंगा, पर और क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या इसका फर्नीचर बेड वगैरह, क्योंकि मैंने इस तरह के बेड भी देखे हैं, बेड बना सकती हैं? अगर मेरी शादी की, मेरी शादी भी आज तय हुई है, ठीक है, यूके से है वो खाद, आप देख रही थी आप यूके से है मेरी आपकी भाभी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह तो तय हो गई है। अब मुझे हलीमा तो बड़ा, वैसे हलीमा के बगैर ही तय हुई है शादी, बट चले खैर है, हो जाएगा, उसका भी मसला हल हो जाएगा। मुझे बताएं वो बेड बनाना हो, हमें फर्नीचर बनाना है तो हो सकता है? हाँ, जैसे टेबल टॉप बनती है, बन सकता है, बन सकता है, उम्मीद रखूँ मैं, बिल्कुल। मैं आपको ऑर्डर दे दूँ तो डिस्काउंट भी दे देंगी आप हमें, बिल्कुल सस्ते में कर देंगी, बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में, मुफ्त तक भी हो सकता है। नहीं नहीं। आपने बहुत सस्ता कहा है तो मेरे का बहुत सस्ता तो मुफ्त ही होता है। देखिए हम बड़े गरीब लोग हैं, आप हमें उंगली पकड़ाए, हम तो दुपट्टा खींच देते हैं कि नहीं तो सानों से मुफ्त हो। तो अब आपने ये करना है कि आपने ये बताना है कि ऑडियंस को क्या, अगर वो कॉल करते हैं कि आपको एक और सुबह देखा तो उनको डिस्काउंट देंगे हमारी वजह से? हाँ देते। कितने परसेंट डिस्काउंट देंगे? 10% 15 पे कर ले बात है। 15% जी, 15% फाइनल हो गए। सोबिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप, मजे में। आप बताएं आप कैसी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका रिश्ता तय हुआ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई हमारे पाकिस्तानी इंतहाई नदीदे हैं, यूके जाने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। देखिए नदीदे, बात सुने, हालात देखिए, आप में कितने टैट है, मुझे कोई खिलाएगी काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं मुझे एक बात बताओ, बाहर जाके हमारे पाकिस्तानी वॉशरूम साफ करते हैं, किचन में बर्तन धोते हैं, पढ़े लिखे हमारे यहाँ पे डिग्री होल्डर जो है वहाँ टैक्सियाँ चलाते हैं। सोबिया मेरी बहन, बाथरूम धोना, बर्तन धोना यहाँ भी करते हैं जब बीवी कहती है, मुझे बीवी कहेगी मैं अपने घर के कर लूंगा। नहीं करते। आपने सही से शादी नहीं की, आप शादी शुद है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपने सही वाले से शादी नहीं की ना, जो नहीं करते, हमारे घर में आप आए सारे काम होते। अच्छा, यानी आपके अब्बा सब कुछ करते हैं? जय जी, मैंने नहीं कहा, खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए मेरी अम्मा वैसे मेरी जान का अजाब डली रहती, कहती झूठी बातें करते हो तुम जाके। ये बताया कि आपकी अम्मा सब कुछ अब्बा से करवाती हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं मुझे आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सोबिया पर देखिए ये तो जोक से पार, वो तो मजाक की बात थी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, पर है ये बात, हम नदीदे सारे हैं। नहीं नहीं, ज़ायदा आंटी को तो ना मैं भी जानती हूँ। अच्छा, वो तो नंबर मांग रही थी। हाँ एक्चुअली ये कि जो ज़ायदा आंटी की है ना, मेरी फ्रेंड रहती है उसी हवेली में जहाँ ज़ायदा आंटी रहती है, और मेरी जो फ्रेंड है उनके हस्बैंड की चची है। वाह वाह वाह, रिश्तेदारियां, मेरे ख्याल में तीनों की कॉल अब साथ में ला लेते। थैंक यू, ठीक होंगे यार सोबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके शो जो है देखा, और पीछे जो आपके गेस्ट आए थे उनके, उनसे जरा मैंने गाइडलाइन लेनी थी। ओहो, तो उस वक्त जो है आपका ना एक नंबर मिल रहा है मुसलसल काफी दिनों से, और दो नंबर आपके ये 903 और 904 वाले नंबर नहीं मिल रहे होते। अच्छा, मैं आपने अच्छा किया कह दिया, ये इम्तियाज भाई देख रहे हैं, इम्तियाज भाई कुछ करें यार। ये काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि आपका वो नंबर नहीं मिल रहा होता, एक नंबर मिल रहा होता, फिर आपको पता है एक नंबर पे तो बहुत से गेस्ट आपके कॉलर्स लगे हुए होते हैं, तो फिर उससे मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मैं इम्तियाज भाई से कहता हूँ, इम्तियाज भाई कुछ करो यार।
बस हो गया। और आपके ये जो गेस्ट आई हुई है इनके फन पारे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, अल्लाह ताला इनके हाथ में और बरकत दे। आमीन। और ये पाकिस्तान हमारा एक ऐसा जरखेज मुल्क है जहाँ बेटियाँ बहुएं बेटे, मैं कहती हूँ एवरीथिंग जो है ना उनको अगर थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए ना तो ये मिट्टी इतनी जरखेज है कि एक से एक हीरा निकलता है यहाँ। बेशक, मैं कहता हूँ सो आने आपने बात की है। आपका बच्चा कितने साल का जो पीछे से ए कर रहा है? माशाल्लाह 7 मंथ्स का है। आपने बहुत सारा प्यार देना है कि चीची करनी है उसको हमारी तरफ से, ठीक है? बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए सोबिया जी, अल्लाह हाफिज। मेरे वो ट्रे जुबाइश की कॉल लेता हूँ, फिर मैं ट्रे दिखाऊंगा, मुझे बड़ी को अट्रैक्ट करी। अस्सलाम वालेकुम जुबाइश, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जुबाश है। जुबाश, खूबसूरत नाम है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है चांद की रोशनी। वाह, ठीक है, वेरी गुड, नाइस नेम, आई लाइक इट। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपकी गेस्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। जी जी, करें। जितनी अच्छी है खुद लग रही है और जितनी खूबसूरत है इतना ही खूबसूरत इनका काम है। ये मुझे लग रहा है ऊपर से कॉल आई, ये कोई जान पहचान वाली कॉल है, है? हाँ बिल्कुल, मैं इनकी क्लास फेलो हूँ और इनकी फ्रेंड हूँ। अच्छा, आप जानती हैं। अच्छा, हाँ, जुबाश की कोई क्लास वाली बात बताएं जिससे आपको लगता था कि इसने आगे जाके कुछ बहुत बड़ा काम करना है, कोई मजेदार सी बात बताएं हमें। मजेदार सी बात तो बातें तो पता नहीं बहुत सारी होंगी, बीनिश को ज्यादा याद होंगी क्योंकि मेरी बहुत अर्ली सेकंड सेमेस्टर के बाद शादी हो गई थी, तो मैं यूनिवर्सिटी आती थी और भागती थी वापस, आती थी और भागती थी वापस। मगर ये है कि हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम गुजरा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, ये हमेशा इसी तरह। इसकी जो बातें मुझे याद है यूनिवर्सिटी की वो यही है कि ये जो इसका स्माइलिंग फेस है ना, ये शुरू से ऐसा ही है। ये ट्रांसफर भी कर दिया इन्होंने शौहर को भी, उनको भी इन्होंने आज कहा है कि हंसने के अलावा कुछ नहीं करना, और तुमने इसे बात से मुसलसल हंस रहे। बस जो लोग अंदर से अच्छे होते हैं वो बाहर से भी अच्छे होते हैं और खुशियां फैला रहे होते हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इनडायरेक्ट तारीफ की है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, या मेरे बारे में कह रही थी, मुझे उम्मीद है। ख्याल रखिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, और ऐसे दोस्त होना भी बड़ा अच्छा होता है। हमारी प्यारी सी एक कॉलर हैं, वो भी उनकी कॉल लेते हैं, फिर मैं ट्रेक ट्रेक की तरफ ही आने दे रहा कोई मुझे। अस्सलाम वालेकुम सिमाब जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल जी? वालेकुम सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस प्यारे लोगों में से एक जो है वो सोमवार को आएगी इंशाल्लाह जी, उन तक पहुंच तो जाएगी आवाज मेरी। हाँ हाँ, वो देख रही होगी, वो देख रही होगी मेरे लोग, कितने लोगों ने पूछा, वो लिखती है, वो लिख रही होगी साथ कितने लोगों ने मेरा पूछा है। जी जी बिल्कुल, आप बहुत प्यारे लगते हैं आज, और आज रिश्ता तय हो गया और मैं कब। बहुत मुबारक हो बहन, बहुत मुबारक हो। जी जी, मैं तो कब से चाह रही हूँ कि लोग देख रहे हैं मेरे भाई को और रिश्ता नहीं हो रहा मेरे भाई का। अब हो गया ना, अब आपका भाई पराया धन हो गया, अब आपका नहीं रहा ये भाई, अब इसका, अब इंशाल्लाह यूके की तरफ मेरा टिकट है। नहीं नहीं, भाई बहनों के हमेशा रहते हैं। नहीं, मैं वो बुरे वाला भाई हूँ, मैं एक बार बीवी ने जो कहा मैं वही करूंगा, अगर उसने कह दिया बहनों से बात नहीं करनी, नहीं करनी, उसने कह दिया बाथरूम साफ करने, करने, वो आप करते रहे, लेकिन बहनों के भाई हमेशा ही रहते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये तो जोक से पार्ट, क्या कहेंगी। अच्छा, लेकिन वो ना यूके का जो है वो टैरो कार्ड वाली ने तो बताया था इम्तियाज भाई का। ना करे, मुझे याद नहीं है, सीरियसली? हाँ जी यार, खुदा का वास्ता है, ये अगर यूके चला गया यूके वाले कहाँ जाएंगे, वो सारे इधर आ जाएंगे, ये अगर चला गया वहां पर रिस्क की शॉर्टेज हो जाएगी, इकोनॉमिक हालात वहां खराब हो जाएंगे, अल्लाह का वास्ता इसको वहां ना भेजे, हम ही इसको बर्दाश्त करते हैं। चलें ठीक है, मैंने कहा कि मैं मुबारकबाद देती हूँ। खैर मुबारक, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका चैनल स्टक हो जाता है तो मैंने कहा कि कल भी कॉल नहीं मिल रही थी मेरी, तो मैंने कहा आज मैं रब्ता कर लूँ। मेहमान बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, मैं काफी देर से देख रही हूँ उनकी बातें सुन रही हूँ, और काम भी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है बेशक, उनको बहुत सलाम भी मेरा, वालेकुम अस्सलाम, और अल्लाह ताला उनके काम में भी इसी तरह नफासत और बरकत डाले और उनको भी ऐसा ही हंसता मुस्कुराता। सुनाब जी, आज एक गाना तो गुनगुना दे हमारे लिए। चलिए ठीक है, वैसे तो मैंने काफी दिन से अपनी एक नज़्म रखी थी, चले आज आपका रिश्ता तय हुआ है तो गाना सुना दे। गाना सुना देते। ए मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे
की। वाह वाह। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मंजिल प्यार की मुझे तो मिल गई है आज। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें सिमाप जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं साथ में अब मैं वो ट्रे की तरफ मेरे सामने निकल जाऊँ, खड़ा हो जाऊँ। हाँ जी, मेरा में लॉन्ग शॉट है। तो जनाब ये है प्यारी सी दो ट्रेज जिनको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, आपने बताना है कि हाउ डिड यू मेक दीज एंड सच ब्यूटीफुल फिशेस। तो ये क्या पहले ड्रॉ करती है पेंसिल से? जी, ये स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ होती है, फिर अब स्टार्ट से प्रोसीजर बताए ना कैसा है, क्या सीन है इसका? पहले ये बेसिकली ये वुड का इस वाले का बताइए जो फिश वाली है। ये दोनों वुडन है बेसिकली ना, फिर इसके बाद इनको पेंट किया जाता है, फिर उसके बाद इन पे रेजिन से लेयर के काम होता है, फिर थोड़ा सा पेंट होता है, फिर देन अगेन अ लेयर। फिर फिश कैसे बनाई है, पेंसिल से पहले बनाई है? हाँ जी, इसके ऊपर वुड के ऊपर पेंसिल से बनाती है। यार बड़ी मेहनती है आप, यार ये काम मुझसे तो ना हो पाए। और ये ऑरेंजेस भी जो आपने बनाए हुए, लेमन बनाए हुए, ये भी आपने पहले बिल्कुल पेंसिल से सारा कुछ बनाया? बिकॉज आपने शायद फाइन आर्ट्स पढ़ी हुई है तो इसलिए शायद आपकी आर्ट्स अच्छी होगी। मैंने बना लिया तो मछली की जगह घोड़ा लगेगा, घोड़ा भी नहीं लगेगा, कोई और ही मखलूक लगेगी। बट आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई है। हमारे साथ कॉलर है, सॉरी मैं नाम आई डिडंट गेट यू, समीउल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर समी भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल आपके इस वक्त आपके मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। खुश आमदीद, खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया। क्या कहेंगे? मैंने ये जो आपकी मेहमान आपने इसको बुलाया है, मेरे ख्याल में फाइन आर्ट में बिल्कुल कोई डिग्री नहीं होगी, उसने बहुत मेहनत किया है माशाल्लाह। माशाल्लाह, इससे ये पूछना था कि पाकिस्तान के फिश के लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई कलर नहीं है दोबारा, ये फील्ड ये जो इसने ज्वाइन किया है, क्यों ज्वाइन किया है? इसमें पाकिस्तान में कोई फाइन आर्ट का कोई कदर नहीं है, इसमें मेहनत कर जाते हैं मगर उनको इतना पजीराई नहीं होती है। आप उसको कंपेयर कर ले यूरोप के साथ, बाकी जो है ना जो एडवांस मुल्क है वहाँ पे उनका बहुत कदर है, सवाल बड़ा अच्छा है, कोई कदर नहीं है, उनका टाइम भी जाया हो जाता है अक्सर अवकाश, खास जॉब भी नहीं मिलता है, और फिर ये इस तरह से डिसार्ट हो जाते हैं, इन जितने मेहनत एक चीज पर कर जाते हैं उनकी कीमत या वो पजीराई नहीं मिलती है। तो इससे मैंने ये पूछना था कि शौक के तहत आई है या बाकी जो इसमें फाइन आर्ट में जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये क्या मशवरा देना चाहती है जो मुल्क के जो हालात है इसके तनाजुर में? That's a very good question भाई, और उर्दू भी बड़ी खूबसूरत है इस तनाजुर में पहचान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। खदीजा की भी कॉल लेते हैं, फिर इनके सवाल का जवाब देते हैं। बड़ी वजनी ट्रेज लग रही है मुझे, लग रही है बड़ी वजनी है। खदीजा जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, खदीजा जी आप कैसी हैं? रिश्ते की शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज आखिरकार आपके भाई पराए हो गए। कोई बात नहीं, भाई रहते हैं। तो भाई के लिए कोई गाने ही गुनगुना दो यार, आज माइयों है मेरी, माइयों ही समझो। मुझे नहीं सॉन्ग में इंटरेस्ट है। क्या कह रही हो आप? मैंने कहा मुझे सॉन्ग में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं गाती हूँ। कोई टप्पा गा दो फिर, मथे ते चमकण ऐसे कुछ गा लो। नहीं कुछ नहीं आता। अच्छा क्या कहोगे? हलीमा का अभी जा रही है, बहुत ज्यादा कर रहे हैं यार। इंशाल्लाह ताला हलीमा मंडे को, इंशाल्लाह ताला आप हलीमा को देखेंगे, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। मैं भी बड़ा मिस कर रहा हूँ, जल्दी से वो आए और फिर जो रौनक है वो दोबारा से लगे। आप दुआ करें अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए। आमीन। तो कुछ और कहोगी? जी आज आपके गेस्ट बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, माशाल्लाह अच्छी अच्छी। हाँ बहुत मजेदार सी चीजें लेकर आई है। अगर आपने खरीदनी है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकती हैं, इंस्टाग्राम पे लिखिए बी आर्टिसन और आपको ये चीजें जो आप चाहेंगी वो बनाकर आपको भिजवा देंगे। ठीक हो गया,
अपना बहुत सारा ख्याल रखना आपने, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और इनसे पूछेंगे कि अगर कोई सीखना चाहे, कोई शुरुआत करना चाहे आज से तो कैसे करेंगे। और उसके बाद हमारे भाई ने भी सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं उसको उस तरह पज़ीराई नहीं मिलती जिस तरह बाहर ममालिक में मिलती है, और चीज़ें बहुत महंगी बिकती हैं, यहाँ पर लोग इसे देखते हैं और कहते हैं कि यार थोड़ा सा ही तो काम हुआ है, कितना कोई पैसा लग जाना है आपने इसमें, तो इसको सस्ते में बेच दें। तो इस हवाले से पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद अब रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक और सुबह हमारी हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं खूबसूरत सी फ्रेम जिसको इतने खूबसूरत रंगों में इन्होंने तश्कील दिया है, और अगर आप देखें तो इसमें एक सिल्वर रंग का जो है, सिल्वर रंग का एक मोर है जिसके पंख भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इट्स ब्यूटिफुल, आई जस्ट लव इट। इतना हसीन नज़ारा है कि स्क्रीन पर तो और हसीन आ रहा है, अगर आप देख सकें, आप नहीं देख सकें, आप देख सक रही हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल द कलर कॉम्बिनेशन। आई थिंक मुझे ब्लू कलर पसंद है, इसके बाद मैंने अंदाज़ा लगा लिया है। ये कैसे बनाया है बीनिश? ये भी कैनवस पे, पहले कैनवस को मैं पहले चेक नहीं करती, ये कैनवस पे बना हुआ है यार, गुड। अच्छा, पहले कैनवस को ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी लेयरिंग होती है, कलरिंग होती है, फिर उसके बाद ये पेंट हुआ हुआ पहले? बिल्कुल। तो आप पेंट भी करती हैं? जी, ये सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ, मतलब बिल्कुल रॉ से शुरू करके। कैनवस इतना हार्ड नहीं होता, ये उसके बाद हार्ड हो जाता है रेजिन के ऊपर, अब जब इसमें रेजिन डालती हैं तो इट बिकम्स हार्ड और ये बस सही सख्त फ्रेम बन जाती है। बिल्कुल, इसकी भी एक स्पेशल टेक्निक होती है, क्योंकि बेसिकली रेजिन लिक्विड होता है ना, तो कैनवस से सीप आउट ना करे, तो ये टेक्निक होती है ताकि ये सीप आउट ना करे। आप बड़ी ब्रिलियंट है, मैंने देखा, मैंने कहा है कि यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो मुझे पता चला बिकॉज ये इट्स सपोज्ड टू बी लाइक दिस, ये मोर है इस तरह का। वाह वाह खूबसूरत। और अगर आप इसमें, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं, अगर आप इसके पीछे देखिए, ये अली भाई देखिए, ठीक है, आपने उनका नाम भी याद रखना, ये यकीन अली भाई ने लगाई है। बिल्कुल, ये अली भाई ने लगाई है, इनके हस्बैंड ने लगा के दिए इनको, और इतनी महारत से लगी हुई है तो लग रहा है कि अली भाई ने, हाँ अली भाई को काम बड़ा फिट आता है। अली भाई वेरी गुड, आई लाइक इट। सो ये है, और मैं साथ में आपको बुक मार्क्स दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ रख दूँ, नहीं गिर गया तो ये मुझे, मैं इसको गोद में रख लेता हूँ। तो मैं साथ साथ आपको ये दिखाता हूँ जी, ये द ब्यूटीफुल कलर बुक मार्क, अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रा जूम इन करें जनाब। बी आर्टिसन के नाम से है, आप इनका इंस्टाग्राम पेज, आप उस पर जा सकते हैं। आपने साथ साथ सवाल का जवाब देना है उनका, उन्होंने आपसे बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में तो इस तरह उसकी फोकियत नहीं मिल रही जिस तरह बाहर इंटरनेशनली लोग उसे इतना महंगी महंगी चीज़ें करके लेते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? पहले शायद ये कॉन्सेप्ट था कि लोग इतना ज़्यादा ना आर्ट्स को नहीं प्रमोट करते, लेकिन अब जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, जैसे एग्जीबिशन होते हैं। मेरी एफिलिएशन जो है वो दो तीन ऐसी है कम्युनिटीज के साथ भी है। एक लेट्स ग्रो टुगेदर के साथ है, और वो बहुत प्रमोट करती हैं होम बेस्ड को और हैंड क्राफ्टेड चीज़ों को। फिर उसके बाद हमकार है एक ग्रुप, उनमें मैम गुलजेबा हैं, हेड हैं उधर की, एंड वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं। मतलब होता है कि आप कभी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वो जो है ना, जैसे आपको एक्स्ट्रा आपको समझ आती है, क्योंकि हम तो होम बेस्ड होते हैं, वी डोंट नो कि बाहर क्या है, किस तरह है, तो वो उस लिहाज से आपको थोड़ी सी गाइडलाइन भी मिल जाती है। फिर इसी तरह आप क्या मैसेज भी देंगी आजकल के यंगस्टर्स को जो इस चीज़ में स्टार्ट होना चाहते हैं, स्टार्ट कैसे किया जाए, आपने कैसे किया था, अगर उस तरह बता दें। हम कॉलर लेते हैं साथ में फौजिया की, फिर कमिंग बैक टू यू। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक फौजिया जी, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। एक तो जी हलीमा को बहुत मिस कर रहे हैं। सेम, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूं, इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएंगी वो। और दूसरी बात ये कि हमायूं बल्ला करे आपकी कहीं बात पक्की हो ही जाए सुबह से, जितना आप शर्मा हो गई है यार, होगी है फौजिया जी, होगी है, मुबारक हो आपको। अच्छा, यूके की है भाभी आपकी, यूके की है, मुबारक जी। और ये है कि जिस तरह जिंदगी में बाकी सारे मामला चल रहे होते हैं, शादी भी उनमें से एक है, तो वो जो खाए लड्डू वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, ये ऐसे ही मामला है। तो है ना, इतनी जल्दबाजी ना करूं, कोई इतनी कोई आखिर नहीं आई हुई है ना, हौसला रखो थोड़ा सा।
ये जब भी आपका टाइम लिखा होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आमीन। ये कितनी खूबसूरत बात की है ना फौजिया जी आपने। ये जो आज हमारे पास मियां बीवी आए बड़े खुश हैं, मुझे लग रहा है या तो ये ऐसे खुश ड्रामे करें हमारे सामने या असल में बहुत खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जोड़ी है इन दोनों की, हंस रहे मुस्कुरा रहे काफी देर से। क्या जो गेस्ट आपके पास आई है माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह देखने से लग रहा है कि आर्टिस्ट जो होता है उसकी एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने इनसे ये करना था कि ये जो आर्ट इनका है ये बहुत महंगा है। मतलब कि हर बंदे की अप्रोच में ये चीज नहीं होती, तो इसके लिए कुछ हो सकता है क्या करें? अच्छा। फट्टे पे बनाना शुरू कर दे, सस्ता तो मिले। ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया। अभी पूछते फौजी जी, बड़ा अच्छा सवाल है, वो कह रही बड़ा महंगा है तो रसाई नहीं है, खरीदना भी चाहते लोग, बट देखा वैसे शी इज वेरी राइट। अगर जैसे ये जो बेसिकली जो जो मटेरियल है अगर ये पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो हमें कॉस्ट उसकी कम पड़ जाएगी, इंस्टेड ऑफ हम बाहर से इम्पोर्ट करें तो हम सही करके लगा दिए फिर तो हम अच्छा। पाकिस्तान मेड ले लें तो वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। ये आपकी वीडियोस भी साथ साथ चल रही हैं, जिस तरह आप बनाती हैं, जो जो आपने बनाई हैं, ये घड़ी ब्लू वाली घड़ी नहीं आप लेकर आई वो सेल होगी, वेरी स्मार्ट, ताकि हमारियों को पसंद ना आ जाए। नहीं वो सेल होगी। हाँ। यार बहुत प्यारी घड़ी हम देख रहे हैं, ब्लू वाली, एक येलो भी है और ये वाला जो मोर वाला, ये मेरे ख्याल में ये हमारे वाला ही है जो आप देख रहे हैं। और ये आपने क्या घर में लगाया हुआ? नहीं ये कस्टमर ले गए, मतलब नहीं ये चीजें कहाँ लगी हुई है, जिस दीवार पे लगी हुई है? कोई आउटलेट आपके घर में, कमरा कोई ऐसा मुख्तस किया हुआ जिस पे? जब मैं बना लेती हूँ तो फिर मैं उसकी एक तकरीबन एक अपने पास मेमोरी रखने के लिए एक शूट कर लेती हूँ। फिर ओए होए, ये अच्छा, ये हमारी टीम आपके आउटलेट गई और उन्हें सारी वीडियोस बनाई है? ये मेरे पेज से ली होंगी। वाह 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 जी, वेरी गुड यार, माशाल्लाह वेरी गुड। अच्छा पार्क चैनल सेंटर में जो आपने वो कराई थी वहां से इंटरव्यू? ओहो वाह जी वाह, बड़ी हमारी टीम की खोज है माशाल्लाह, आपको ढूंढ निकाला उन्होंने। अच्छा बच्चों के लिए क्या मशवरा है जो मैंने आपसे पूछा था? Somebody wants to start it, कोई शुरू करना चाहता है, क्या यूट्यूब इस तरह के प्लेटफॉर्म से सीखा जा सकता है और शुरुआत की जा सकती है? कहते हैं इसको स्टार्ट करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करना इसको आसान है, इसके जो रॉ मटेरियल हैं आप पढ़ते हैं पहले, अच्छा उसमें थोड़ा सा आपकी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है और देन फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करें। और इसके जो हैं वो मैं तो नहीं करा रही फ़िलहाल कोर्सेज, लेकिन इस्लामाबाद में ऑल ओवर पाकिस्तान ना कुछ ख़वातीन हैं जो इनको इसको सिखाती हैं, इसकी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं और वो फिज़िकल होम बेस्ड भी हैं, तो वहाँ से सीख लेते हैं और फिर उसके बाद दे कैन स्टार्ट। तो आप कब शुरू कर रही हैं क्लासेस देना? तो आप भी तो मुस्तफीद करें ना लोगों को इससे सिखाने से। बिल्कुल, मैंने अभी वैसे थोड़ा सा आइडिया अभी है लेकिन ऐसा कोई अभी फुल फाइनल प्लान नहीं। जैसे सब कह रहे हैं ये चीज बहुत महंगी है, जब ऑनलाइन भी लेने के लिए जाएंगे ऑफ कोर्स द रेट्स विल बी हाई, तो उन्हें लग रहा होगा, तो क्या आप कोई मिनिमल चीजें भी बनाती हैं जिसके रेट्स थोड़े से कम हो, कि कोई चाहता है कि एटलीस्ट एज रेजर की कोई ना कोई चीज उनके पास हो, तो ऐसी चीजें भी है जो खरीद सकते हैं सस्ती? हाँ ये जैसे कीचेन हो गए जो स्मॉल आइटम्स है दे कॉस्ट लिटल, उतनी नहीं आती उनकी, वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, तो होता ये है कि बेसिकली इसमें ना कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप मार्केट से जैसे फैक्ट्री मेड तो है ना चीज़ निकल रही है एक ही जैसी है पेटेंट, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप किसी बच्चे ने लेनी है तो अपना नाम से ले ले, अपना नाम से किसी ने किसी को गिफ्ट देना है तो वो उसके नाम की हो जाती है, या जैसे कुछ लोग शादी की बनवाते हैं। हाँ आजकल शादी ब्याह पे जरूर होता है, वो पीछे लगाते हैं ना जरा वो बड़ा सा बना देती है, RNS की शादी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल HN पता नहीं वो कौन है, उनका नाम क्या है, मुझे नाम भी नहीं पता जिनके साथ रिश्ता तय हुआ है, पता ही नहीं आप लोगों ने नाम। मैं आपको उसकी प्लेट बना दूं, उसकी प्लेट आप मुझे बना देंगी, मैं बना, ये बेहतरीन हो गया। अली भाई आप गवाह, इसके नंबर प्लेट ना बना दीजिएगा मुझे उसकी, कि गाड़ी की नंबर प्लेट आप मुझे बना दे, मुझे आप घर की भी प्लेट बनते हैं, अल्लाह करे मैं आपकी शादी वाली प्लेट बनाऊं, तख्ती ना बनानी पड़ जाए मुझे कवर की, से कहूं ये बना दे, ऐसा वक्त आ जाए मेरे पे कि मैं तख्ती बनानी पड़ जाए। और अच्छा लुबे लुबाब ये कि दिस इंटायर आर्ट, इसके लिए आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? आर यू गोइंग टू मेक योर आउटलेट, आप इसको बढ़ाएंगी या इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड करेंगी? व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान इन दिस? आई स्टार्टेड विद स्मॉल थिंग्स ना बेसिकली, क्योंकि होम बेस्ड है और मेरे पास मतलब शुरू में तो ये था कि आपको टाइम मैनेज करना होता था, तो बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट किया, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब लोगों को पता चल रहा है, लोग ले रहे हैं, जिसको अपनी पसंद की चीज़ चाहिए अपने फेवरेट कलर्स की, या कोई जैसे घर में लगाने की कोई चीज़ है तो उन्होंने अपने वही कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये है कि फिर मैं उस तरह उनको बना देती हूँ। तो अगर आपके साथ कोई मिलना चाहे, कोई ऐसा कहो हो कि आपके इंस्टाग्राम से कि यार मैं आपके साथ ये काम शुरू करना चाहती हूँ, तो विल यू बी ओके विद दैट कि अगर कोई आपको कांटेक्ट करे?
हाँ ओके मैं हूँगी ओके unless, unless कोई मतलब कुछ और ही ना हो जाए कोई डाडी ना हो नहीं कोई लखा खातून हो मेरे ख्याल में अली भाई तो कहेंगे हाँ आ जाए कोई मसला नहीं है अली भाई हो जाएगा कोई साथ अगर मिलके काम करना चाहे बिजनेस शुरू करना चाहे तो आपके साथ कर सकती है रीजंस का आपने मुझे बताया कि इसकी प्रोडक्शन बाहर होती है इसकी मेक बाहर है तो पाकिस्तान में इसकी मेक नहीं है डोंट यू थिंक अगर पाकिस्तान में शुरू हो जाए तो इसकी प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगी बहुत कम हो जाएंगे ये बिकॉज ऑफ दैट टैक्सेस होते हैं रिपोर्ट होते हैं ज्यादा आपको इसकी महंगी मिलती है अभी जैसे डॉलर एकदम से राइज हो गया था ना उसकी प्राइसेस तो इसके क्योंकि हम लोग तो ये वाला बाहर से मंगाते हैं तो वो एकदम से फिर शिफ्ट आ जाता है प्राइस में ठीक है बहुत शुक्रिया आज आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा और यकीन माने एक से एक चीज़ पे रश कर रहा है कि आपने इतनी खूबसूरती से हर चीज़ को अपनी मेहनत से डिज़ाइन किया है एंड यकीनन हैट्स ऑफ टू यू एंड योर फैमिली योर हस्बैंड योर किड्स आपके जितने भी आसपास के लोग हैं उनको इसकी अप्रिसिएशन में मेरे ख्याल में वो भी हकदार है इसके क्योंकि साथ में मिलकर चलते हैं आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा आज जाके चले बेहतरीन हो गया हम इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे कल जुमे के दिन हमारे साथ होंगे हमारे नए मेहमान आप इसी तरह प्यार हमें देते रहना है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़